हाय एवरीवन, दिस इज अ न्यू वीडियो जिसके टाइटल को आपने देख लिया होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारे देश के कई सारे टेम्पल्स का जिक्र करेंगे। टेम्पल्स से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशंस के अंदर अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं, उसके हिस्टोरिकल बातों को आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर वो जो मंदिर होते हैं वो कौन से देवी देवताओं को आपके समर्पित होते हैं, उनकी लोकेशंस हो या फिर बाकी के आपके फैक्ट हों। इस वीडियो के अंदर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देश के हम डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। आपसे हम शुरू करेंगे पहले सवाल को। ओके तो पहला सवाल देखिए, स्थापत्य कला की नागर शैली आमतौर पर भारत के कौन से मंदिरों के अंदर देखी जाती है? देखो, जब कभी भी हम टेम्पल्स का जिक्र करते हैं ना, तो हमारे पूरे के पूरे भारत के अलग अलग रीजन, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आपको एक अलग प्रकार की कला शैलियों की एक इमेज नजर आती है मंदिरों के ऊपर। उसी में से सवाल आपका पूछा है कि हमारे भारत के अंदर ये चार आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन क्षेत्रों में से कौन से वो मंदिर हैं जहां पर आपको नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। पोल में आप लोग आंसर कीजिएगा। अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस इन चीजों को याद जरूर रखना, ठीक है? चलो अभी बताइए, नगर शैली की आर्किटेक्चर जनरली आपको इन चार विकल्प में से कौन से रीजन के अंदर दिखने वाले मंदिरों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं? देखो, अगर मैं नगर स्टाइल की बातें करता हूँ ना, तो ये आपको हमारे भारत के उत्तरी भाग के अंदर जितने भी आपको मंदिर नजर आते हैं वहां पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है? जो पूरा का पूरा टेम्पल है वो आपको एक इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा कि वहां पर आपको एक स्टोन प्लेटफॉर्म नजर आएगा, उसका एक स्टेयर केस होगा, यानी कि वहां पर आपको सीढ़ियां नजर आएंगी। तो इसको हम बोलते हैं आपकी नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आपका नॉर्थन इंडिया रहेगा, यानी कि उत्तर भारतीय के मंदिरों में आपको ये नगर शैली नजर आती है, ठीक है? तो याद रखिएगा, मंदिर वास्तुकला की नगर शैली उत्तरी भारत में लोकप्रिय थी। उत्तर भारत में पूरे मंदिरों को एक पत्थर के मंच के जामतून पर आपका इस प्रकार से नजर आया करता था। यहाँ पर आपको स्टेप पार्ट नजर आएगा, एंड देन आपका ऊपर जाकर आपको जो भी दर्शन करना है आप वो कर सकते थे, ठीक है? अगला सवाल देखिए, नगर और द्रविड़ आदेशों से चयनात्मक मिश्रण के मंदिरों से मंदिर मतलब माध्यम के मंदिरों की वास्तुकला शैली का नाम क्या है? मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आपको उस आर्किटेक्चर स्टाइल का नाम बताना है जो कि मंदिरों के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको मिक्सिंग नजर आएगा नगर स्टाइल और आपकी द्रविड़ ऑर्डर्स का। तो ये दो प्रकार की आपकी कई शैलियां हैं, इनसे इनके मिश्रण से संबंधित किस जगह पर या फिर इस मिश्रित नाम को आप किस शैली के नाम से जानते हैं? ये रहा आपका पोल, बताइए आप। देखो, एक आपको कॉम्बिनेशन नजर आएगा, मैंने एक आपसे नाम लिया नगर का और दूसरा आपसे लिया द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। इन दोनों के मिश्रण को आपका इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया है 4, वैसेरा। इसका वैसेरा उत्तर हो जाएगा। तो जो टर्म वैसेरा है उसका अर्थ क्या होता है? तो देखो, ऐसा माना जाता है कि जो आपका संस्कृत शब्द है विसरा, जिसका अर्थ क्या होता है, एरिया जहां पर आपको एक लॉन्ग वॉक करनी पड़े, आपको थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़े, आपको चलना पड़े, तो उससे आपका ये संबंधित होता है। मिश्रण की बात करी, कॉम्बिनेशन की बात करी, आपका उत्तर हो जाएगा इसका वेसेरा। अब देखो, इस सवाल को आपका एसएससी आपसे घुमाकर पूछ सकता है, वो पूछ लेंगे कि बताइए कि जो वेसेरा आपकी एक स्टाइल है या फिर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो इन दिए गए विकल्प में से किस किसके मिश्रण के रूप में जानी जाती है या फिर किसके कॉम्बिनेशन के रूप में जानी जाती है? तो उसमें आपको क्या याद रखना है, आपका नगर स्टाइल एंड द्रविड़ियन स्टाइल याद रखोगे। बाकी देखो, जो जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, वो आपको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अगली स्लाइड पर भी लिखा हुआ है, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग अगर लेनी है कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, तो आज के कर्नाटका के अंदर आपको आपका ये वैसेरा स्टाइल का उत्पत्ति देखने के लिए मिलता है। ऐसे सवाल अगर आपसे पूछ लिए गए, तो ये छोटे छोटे से जो फैक्ट होते हैं रिलेटेड आपके सवाल से, वो भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, वैष्णो देवी मंदिर की बात करते हैं, इसकी लोकेशन बताना है कि कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आपको नजर आती है, सभी को पता होगा मोस्टली, बताइए भाई। वैष्णो देवी मंदिर की हम बात कर रहे हैं, बताइए। वैष्णो
वैष्णो देवी श्राइन की लोकेशन आपको नजर आएगी, कहाँ पर, कौन से हिल्स के अंदर नजर आता है, त्रिकुटा हिल्स के अंदर नजर आती है ना, त्रिकुट हिल्स के ऊपर आपको नजर आती है। लगभग ये जो आपका कात्रा वाला कैंप पड़ता है उससे 13 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाकर पड़ती है। तो उत्तर सभी को यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के रूप में देना था, ये आपका बेसिक सा सवाल है, इसमें किसी को प्रॉब्लम वैसा आनी चाहिए। तो ये है आपका, बाकी मैंने आपको बता दिया है कहाँ से कहाँ तक है, कौन से हिल्स के अंदर है, त्रिकुट हिल्स के ऊपर देखने के लिए मिलता है, ये याद रखिएगा। हो सकता है कि कल को ये पूछ लिया जाए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने के लिए जो हमारा माता वैष्णो देवी मंदिर आपको नजर आता है वो कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, तो दैट कैन बी आस्क्ड आपसे, वो भी सवाल के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ओके किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आपके बराबर में डाउट सेक्शन दिया गया है, प्लीज वहां पर डाल दीजिएगा, क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। और ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, इनको देखकर जनरली स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि यार हम तो इतिहास पढ़ना चाहते थे, हम तो पॉलिटी पढ़ना चाहते थे, हम तो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते थे, हम तो विज्ञान पढ़ना चाहते थे। मेरे मित्रों, आपको वो सारी की सारी चीजें मैं भी कराता हूँ, मेरी प्रोफाइल पर भी मिलेंगे। ये टॉपिक्स जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ना, ये बहुत ही रेयरली आपको लोग कराते हैं, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि एक बार आप मेरी प्रोफाइल विजिट करके स्टैटिक जीके वाले जो पोर्शंस हैं उनको जरूर देखिएगा। अगला सवाल देखो भाई, महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? महाराजा गुलाब सिंह मंदिर का निर्माण कराते हैं, 1846 का टाइम है, पोल के अंदर आपको आंसर करना है, ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। अब देखो जरूरी नहीं है कि इस सवाल को डिट्टो इसी तरीके से आपके पेपर में पूछा जाएगा, इस सवाल को घुमाकर भी पूछा जा सकता है। आपसे वो पूछेंगे कि माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो बताइए कब उसका निर्माण कराया गया, किसने करवाया, कहाँ पर करवाया, ऐसे करके बन सकता है। तो सवाल को घुमाकर इन्होंने पूछ लिया, नाम देकर के, जिसने बनवाया था महाराज गुलाब सिंह, कब बनवाया था, 1846, नाम क्या है, वैष्णो देवी टेम्पल, ठीक है याद रखोगे। चलिए आगे आइए, तो वैष्णो देवी के सेंचुरीज अगो इसके डिस्कवरी करी गई थी 1846 के अंदर, महाराज गुलाब सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन कराई थी, श्राइन के डेवलपमेंट के लिए 5 लाख का इन्होंने यहाँ पर डोनेशन दिया था कि इसके ऊपर काम कराया जाए। अगला सवाल, अमरनाथ मंदिर की बात करेंगे, अमरनाथ मंदिर किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लोकेटेड है? अच्छा देखो एक और चीज, आप मेरी बात सुनना, होता क्या है ना, जैसे कि आप न्यूज सुन रहे हो है ना, तो चलो स्टैटिक फॉर्म में तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये लोकेटेड कहाँ पर है, किसने बनवाया, कब बनवाया, या फिर कोई भी उससे संबंधित जो भी जानकारी हो पता होनी चाहिए। लेकिन जब आप न्यूज सुन रहे होते हो, आप करंट अफेयर के अंदर कोई भी ऐसी चर्चाएं सुन रहे होते हो जहां पर इन लोकेशन का जिक्र होता है, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने कुछ भी सुना कि यार अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार ने इस प्रकार के पैकेज की घोषणा करी, या फिर ऐसे ऐसे करके उसको लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, कुछ भी अगर आप न्यूज में सुन रहे हैं, तो आपका दिमाग आपको एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्नल देता हुआ नजर आना चाहिए कि हाँ जी ये इस तरीके से अब मेरे से पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, समझो। तो मैंने पोल दे दिया ना इसका, पोल दे दिया था मैंने इसका, पोल दे दिया था ना मैंने इसका, हाँ, तो यार इसका जम्मू एंड कश्मीर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अमरनाथ टेम्पल की लोकेशन की हम बात कर रहे थे। तो ये है अमरनाथ टेम्पल, लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिंदू पिलग्रिम साइट के रूप में नजर आता है, भगवान शिव को लेकर ही आपका डेडिकेटेड है। अमरनाथ टेम्पल इज अमंग द मोस्ट रेवरेड हिंदू पिलग्रिम पैलेसेस इन इंडिया, सबसे पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती जी के जीवन के अनंत काल का रहस्य समझाया था, ठीक है। तो वो मान्यताएं हैं वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके दे रखी है, अगर आपको पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। अगला सवाल, जम्मू एंड कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर किस पहाड़ पर लोकेटेड है? अब देखो अभी मैंने पीछे आपको वैष्णो देवी मंदिर के बारे में बताया था, मैंने वहां पर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानकारी दी थी, वही सेम चीज सवाल के रूप में देखो आपसे पूछ लिया, पोल के अंदर आंसर करना है आपको, बताओ भाई। देखो जिसको भी मुझसे कुछ बात पूछनी है ना, आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर मत डालो, डाउट सेक्शन के अंदर डाल दो, ताकि जब क्लास को खत्म करो तो मैं आप लोगों के डाउट्स ले लूं, ठीक है। बाकी यार आप में से कोई भी अगर नया स्टूडेंट है ना अनअकैडमी पर, तो आपके जो बाकी के साथ ही आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं पर्सनली भी कनेक्टेड रहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, किसी को मन करे कि पर्सनली मुझसे बात करने का, तो देखो ये मेरा यूजर नेम है, RUBINSIRG,
इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं क्लास के लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां पर ज्वाइन करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी इशू है कि सर मैं हिस्ट्री कैसे पढ़ूं, मैं क्वांट किससे पढ़ूं, मैं इंग्लिश किससे पढ़ूं, मैं रीजनिंग किससे पढ़ूं, मैं क्या ज्वाइन करूं, मैं इस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है भाई, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था त्रिकुट हिल्स के ऊपर लोकेटेड नजर आता है हमें माता वैष्णो देवी टेम्पल। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी ये ऑलरेडी मैंने बता चुका है, ये आपको नजर आएगी माता वैष्णो देवी श्राइन। अमरनाथ टेम्पल के बारे में अभी मैंने आपको पीछे जानकारी दी थी, मैंने वहां पर बताया था कि वो आपके कौन से वाले भगवान जी को लेकर डेडिकेटेड है, वही सेम सवाल आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अमरनाथ मंदिर इन चार विकल्प में से किसको समर्पित नजर आता है। ये रहा आपका पोल, बताइए यार। अब देखो ये चीजें ना एमसीक्यू में करानी इसलिए जरूरी होती है। अब मैं आपको मान लीजिए कि आपको यहाँ पर आकर ऐसे एक एक टेम्पल के बारे में थ्योरी तो बताने लगूंगा नहीं, वो पता है फिर इंटरेस्टिंग नहीं होता है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को, स्टैटिक जीके की जानकारियों को लेने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एमसीक्यू फॉर्म में, जो कि मैं कराता हूँ आपको यहाँ पर। तो भगवान शिव को समर्पित था, ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बताया था, अमरनाथ टेम्पल की हम बात कर रहे थे, लोकेशन हमने जान ली थी, क्या क्या मान्यताएं थी वो भी मैंने आपको बता दिया था। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दुनिया भर में मान्यता प्राप्त 51 शक्तिपीठों में से एक है। मैं दोबारा से पूछता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ्स रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। बोल आपका ये रहा, बताइए यार। लोकेशन क्या थी, जम्मू एंड कश्मीर थी, कई सारे लोगों ने गलत आंसर किया है, इसमें आपका अमरनाथ टेम्पल रहेगा जो कि विश्व भर की मान्यता प्राप्त 51 शक्तिपीठों में से एक रूप में जाना जाता है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, आगे आइए। ज्वालामुखी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर लोकेटेड है, नाम क्या है ज्वालामुखी टेम्पल, पोल के अंदर आप आंसर कीजिएगा, ये रहा आपका पोल, बताओ। अगर नहीं पता है देखो किसी को कोई भी चीज, तो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ज्वालामुखी टेम्पल की बात कर रहे थे, जो अभी मैंने आपसे शक्ति पीठ की बात करी थी ना, 51 शक्ति पीठ जो भारत के अंदर आपको नजर आती है उनमें से एक है ज्वालामुखी टेम्पल। सिचुएशन मैंने आपसे बात करी थी तो आपने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी के बारे में सुना होगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है, तो उस कांगड़ा वैली से लगभग आपको 35 किलोमीटर दक्षिणी दिशा के अंदर आने के बाद आपको नजर आता है, तो हिमाचल प्रदेश यार आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। कौन से मंदिर की बात करी है मैंने आपसे, ज्वालामुखी टेम्पल की। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ज्वालामुखी मंदिर भारत के कुल 51 शक्तिपीठों में से एक है, मैंने आपको बता दिया था। ज्वालामुखी मंदिर आपका हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी के लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा के अंदर आने के बाद मिलता है, मैंने बता दिया था। ज्वालामुखी प्रकाश की देवी को समर्पित है, जो कि ज्वलंत देवी या फिर फ्लेमिंग माउथ की शी के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, आगे आइए, ये क्या कह रहे हैं, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण साहिब से होकर बहती है। सवाल आपने देखे होंगे ऐसे पे, देखो मैं फिर से कहूंगा, किसी भी स्टूडेंट के अंदर अगर ऐसी वाली फीलिंग आ रही हो कि यार हम क्या मतलब मंदिरों के बारे में जाने क्या, या फिर हम कुछ और आ रहा हो, देखो मैं अपने मन से तो करा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये पेपर में सवाल आते हैं तो उसलिए कराना जरूरी है, तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा थॉट आ रही हो आपके अंदर तो प्लीज मत लाइएगा, आपको इसको अच्छे से बस इसलिए याद रखना है कि पेपर में अगर सवाल पूछा जाए तो वहां पर कोई दिक्कत ना हो आपको, समझ रहे हो। तो आपसे पूछा जा रहा था, सवाल मैंने आपको बता दिया है, मणिकर्ण से बहने वाली आपको नदी का नाम बताना था, ये रहा पोल, बताइए भाई। तो मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, आपको मेरी प्रोफाइल पर जाकर मिल जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर भी मैंने इस सवाल का आपसे जिक्र किया था। पहली चीज, मणिकर्ण की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये आपको नजर आएगा कहाँ पर, आपके हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जो नदी यहाँ से बहती हुई नजर आती है वो कौन सी होती है, नाम है उनका पार्वती रिवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी रहेगा, करेक्ट। ठीक है, याद रखोगे, फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर पर अटैक किया था, यार मुझे आइडिया नहीं है निकी। ठीक है, तो ये है भाई, इस प्रकार से आपको नजर आता है, यहाँ पर आपको पार्वती रिवर का फ्लो नजर आएगा, मैंने इसकी लोकेशन के बारे में आपको बता दिया है, हिमाचल प्रदेश कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, रिवर पार्वती पर लोकेटेड मणिकर्ण टेम्पल आपको
नजर आता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के राजा भूमिचंद कटोच ने करवाया था? विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज बिल्ड बाई राजा भूमिचंद कटोच ऑफ कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश? पोल के अंदर आंसर कीजिएगा, ये रहा पोल। तो अभी मैंने जो पीछे आपसे एक इम्पोर्टेंट मंदिर का जिक्र किया था, जिसका नाम क्या था, ज्वाला ज्वालाजी टेम्पल या फिर ज्वालामुखी टेम्पल, तो इसके जो जिन्होंने इसको स्थापित किया था या फिर जिसने बनवाया था, नाम उसका आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका आपका? भूमिचंद, भूमिचंद कटोच, इनके द्वारा बनवाया गया था। और ये याद रखिएगा बस यहाँ पर आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। ठीक है भाई, बाकी एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं ये एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है ना, इसको टाइम पास के लिए बोल ही रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा जब आप रिवाइज करें या फिर वो सब चीजें। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है और कलयुग में भगवान शिव के अवतार को समर्पित है? ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड इज डेडिकेटेड टू इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा इन कलयुग? आप समझ गए, देखो वही आपकी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग मंदिरों की लोकेशन आपसे आपके पेपर के अंदर पूछी जाती रहती है। हमें बस इसको इसलिए याद रखना है कि हमारे पेपर के अंदर ये चीजें अगर पूछी जाए तो हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के फेमस टेम्पल में से एक आपको नजर आते हैं, बाबा बालकनाथ टेम्पल, जो कि कलयुग में भगवान शिव के अवतार को समर्पित है, ऐसी मान्यताएं आपको देखने के लिए मिलती है। बाबा बालकनाथ टेम्पल आपको यहाँ पर याद रखना है, और किस फैक्ट में इसका नाम हमें याद रखना था हमने वो भी जान लिया है। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से लोकेशन नजर आएगी, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, जो कि आपके भगवान शिव के इनकारनेशन के रूप में जाने जाता है, हिमाचल प्रदेश लोकेशन थी, वो भी हमने जान लिया। ठीक है, इन चार विकल्प में से आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के मनाली के अंदर आपको कौन सा मंदिर लोकेटेड नजर आता है। ये रहा आपका पोल, बताइए। देखो जो नए स्टूडेंट है ना, एक बार आप मेरी प्रोफाइल विजिट कीजिएगा, एक बार आप मेरी प्रोफाइल पर जब जाओगे तो आपको मेरे स्टैटिक जीके के फॉर्म में बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। जैसे आज हम टेम्पल्स कर रहे हैं, इस टेम्पल से पहले हमने ओलंपिक्स से संबंधित चीजें जानी थी, फर्स्ट इन इंडिया, भारत में सर्वप्रथम, जैसे होता है ना कि बताइए कि भारत का पहला ये कौन था, पहला वो कौन था, या फिर इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज, इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, ऐसे स्टैटिक जो टॉपिक होता है वो मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, ये हिडिंबा देवी टेम्पल को आपको याद रखना है इन चार विकल्प में से, जिसकी लोकेशन आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली के अंदर नजर आती है, हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली। ठीक है, आगे आइए, जीत सर भी यही कराते हैं क्या, मुझे पता नहीं है यार, एक बार आप जीत सर की क्लासेस या फिर उनके प्रोफाइल पर जाकर देख लीजिएगा, अगर वहां पर आपको दिख जाए तो इट्स गुड। मणिकर्ण टेम्पल, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं अभी आपको पीछे बता कर आया था, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, और ये आपका एक तीर्थ स्थल है हिंदू और सिख दोनों धर्मों के लिए। तो यार मैं इसका पोल दूं क्या, इसका पोल देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बताकर आया था हिमाचल प्रदेश के अंदर इसकी लोकेशन थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको बनवाया किसने था, मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सी रिवर यहाँ से आपको निकलती हुई नजर आती है, मैंने पार्वती रिवर को यहाँ से निकलते हुए बताया था, तो इसका पोल लेने की जरूरत नहीं थी, हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिकर्ण टेम्पल की बात कर रहे हैं, तीर्थ स्थल है, ये सब चीजें। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे पर आपको लोकेटेड नजर आता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, अलकनंदा रिवर के किनारे पर बने हुए टेम्पल के बारे में आपको नाम बताना है। ये रहा आपका पोल, बेहद से भी ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार चर्चाओं में या फिर लोगों को रील्स बनाते हुए आप देखते रहते होंगे, तो बताइए भगवान कौन से भगवान जी को आपका ये डेडिकेटेड है? भगवान विष्णु जी को ये आपका डेडिकेटेड है, बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर आपको ये लोकेटेड नजर आता है, नाम क्या है? बद्रीनाथ टेम्पल। अब देखो इस सवाल को घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए कि भाई जो बद्रीनाथ टेम्पल है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड आंसर हो गया, कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो वो आपका एक आंसर बन जाएगा कि बद्रीनाथ टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द अलकनंदा रिवर। समझ रहे हो, मतलब देखो फैक्ट एक ही होगा और फैक्ट को घुमा फिरा कर आपसे पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि बद्रीनाथ टेम्पल बताइए कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, तो वहां पर आपको नजर आएंगे विष्णु। ठीक है, याद रखोगे, तो ये है आपका
बद्रीनाथ टेम्पल हिंदू टेम्पल है, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, उत्तराखंड के अंदर आपको लोकेटेड नजर आता है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के चार धामों में से एक नहीं है? एसएससी पूछ चुका है बाय द वे सवाल को, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, पर ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द फोर धाम इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर चार धाम आपको देखने के लिए मिलता है, सभी बार बार उनके बारे में चर्चाएं सुनते रहता है, बताइए भाई। चार धाम के अंदर आपको चार तीर्थ स्थल नजर आते हैं हमारे उत्तरी भारत के अंदर, उत्तराखंड राज्य के अंदर, और उसमें कौन कौन सी चीजें नजर आएंगी आपको? गंगोत्री नजर आता है, यमुनोत्री नजर आता है, केदारनाथ नजर आता है, और बद्रीनाथ नजर आता है। तो आपको इसमें से कौन सा है जो कि नहीं नजर आएगा? केदारनाथ था, बद्रीनाथ था, गंगोत्री था, और यमुनोत्री था, अमरनाथ नहीं था। तो अमरनाथ उत्तराखंड के चार धामों में से एक नहीं है, और ये हमें याद रखना था, ठीक है, याद रखोगे। सारी चीजें मैंने मेंशन भी करके बता रखी हैं आपको, लीडर बोर्ड अभी 20 सवाल कर लेते हैं उसके बाद दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्लीज आप मतलब ठीक है, ये जो चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में दे रखी हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। बद्रीनाथ टेम्पल दिए गए चार विकल्प में से किसको डेडिकेटेड है? ये एमटीएस के 2016 के पेपर के अंदर पूछा गया था, मुझे याद है, बताइए भाई। पोल के अंदर आंसर करो यार, पोल के अंदर, चैट के अंदर आंसर नहीं करेंगे, सॉरी। तो ऑलरेडी मैं आपको भी पीछे बता कर आया था, बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, इस पे मैं और एक्स्ट्रा क्या ही बताऊं, आसान है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में जान लिया था पीछे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के पास लोकेटेड है? इंपॉर्टेंट, अब हम बात कर रहे हैं केदारनाथ टेम्पल की, इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ये रहा आपका पुल, बताइए यार। केदारनाथ टेम्पल हिंदू टेम्पल है, लगभग 1200 साल पुराना मंदिर है, भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है। लोकेशन सभी को पता होगी, गढ़वाल हिमालयन रेंज के अंदर आपको नजर आता है, और जो रिवर नजर आएगी वो कौन सी आएगी? वो आएगी मंदाकिनी रिवर, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के अंदर लोकेशन थी, मंदाकिनी रिवर पर लोकेटेड है केदारनाथ टेम्पल। बहुत कम लोगों को पता है, आप देख जैसे देख पा रहे हैं बहुत कम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, और कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और चीज फिर से कहूंगा कि अगर आप में से कई सारे लोगों के सवाल गलत हो रहे हो तो आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ये सवालों के रूप में आपको जो संबंधित टेम्पल से फैक्ट है वो आपको याद हो जाता है। आप चाहे चलो यहाँ पर आप कितना भी गलत कर लो, लेकिन कल को पेपर में जब ये चीजें पूछी जाएंगी तो वहां पर बस मत गलत करना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना आप मुझसे, बाकी थोड़ी देर रुक जाओ, आप लोगों के मैं डाउट भी ले लूंगा, किसी को कोई भी दिक्कत आती है बात कर लेंगे। तो भाई मंदाकिनी रिवर पर लोकेटेड है, हमने केदारनाथ टेम्पल की बात करी, 1200 साल पुराना माना जाता है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, उत्तराखंड रिवर उत्तराखंड राज्य के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भारत में भगवान शिव के पंच केदार और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है? विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स इज वन ऑफ द पंच केदार एंड 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा इन इंडिया? ये रहा आपका पोल, बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए। तो हमारे नॉर्दर्न हिमालय के जो छोटा चार धाम यात्रा में आपको नजर आता है उसमें आपको केदारनाथ टेम्पल के बारे में नजर आता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मान्यता दी जाती है, पंच केदार पिलग्रिमेज साइट में से आपको ये एक मुख्य स्थल के रूप में नजर आता है। तो इसमें भी आपका आंसर केदारनाथ टेम्पल ही रहेगा। जो सवाल है सवाल के अंदर ही आपका फैक्ट है, और उस फैक्ट का करेक्ट आंसर हमने जान लिया है ऑप्शंस के थ्रू। तो केदारनाथ मंदिर मैंने बता दिया, जो कि सारे के सारे फैक्ट थे वो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज लोकेटेड इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? ये रहा आपका पुल, बताइए भाई। अभी पीछे मैंने आपको एक मंदिर के बारे में बताया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बद्रीनाथ टेम्पल। इसके बारे में आप थोड़ा सा और सर्च कर लीजिएगा,
इस वाले सवाल पे ना, जब मैं इस सवाल को प्रिपेयर करा रहा था तो कुछ कुछ मुझे क्लियर जानकारी नहीं मिल रही थी, और भी कई सारे जो मंदिर हैं उनकी लोकेशन को लेकर थोड़ा थोड़ा सा था, बट इस विकल्प के अंदर बद्रीनाथ टेम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ। तो इसमें जूही चल रहे हैं, फर्स्ट पे नम्रता है, सेकंड पे सुजीत, थर्ड विनय, फोर्थ दिनेश, फाइव रिया, सिक्स राहुल, सेवन अंजू, एट कैमिलिया, नाइन और सुगंधा है 10 पे। ठीक है, चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना। आई थिंक इसमें ना कुछ कुछ था, मैं भूल रहा हूँ, इसमें कुछ तो इश्यू था इस वाले सवाल के अंदर। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, लोकेशन से रिलेटेड चीजें देख लीजिएगा, कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही थी, मेरे को याद, मैं इसीलिए आपको कह रहा था कुछ इश्यू था, मैंने यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखा था। ठीक है, चलो उसके ऊपर करते हैं बात, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री टेम्पल की लोकेशन आपको बतानी है। यार इसका पोल देने की जरूरत है क्या मुझे? इसका पोल मुझे देने की जरूरत नहीं, उत्तराखंड के अंदर आपकी लोकेशन है। ठीक है, तो यमुनोत्री धाम लोकेशन इज इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको नजर आता है। यहाँ पर आपको यमुनोत्री मंदिर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चार धाम यात्रा का जो पहला स्टॉपिंग पार्ट है वो आपको नजर आता है यहाँ पर, यमुनोत्री धाम, जहाँ पर आप यमुनोत्री टेम्पल को देखते हैं। तो हमसे राज्य पूछा गया था, पोल की जरूरत नहीं थी, पीछे भी मैं दिखा चुका था आपको, तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होता है। तो ये है आपका यमुनोत्री टेम्पल, पहला स्टॉप है जहां पर हम चार धाम यात्रा उत्तराखंड की बात करते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है और भारत के अंदर दिखने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से आपको एक नजर आता है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, लोकेशन क्या है? उत्तर प्रदेश। पोल ये रहा आपके सामने, बताइए भाई। विश्वेश्वर मंदिर बोल लीजिए या फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल बोल दीजिए, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर नजर आता है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग श्राइन का होम है, यानी कि वहां पर ये लोकेटेड है। तो याद रखना है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाता करेक्ट, काशी विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है भाई, सर कंफ्यूज हो, क्या कंफ्यूज है, सबकी लोकेशन सेम ही? नहीं, ऐसा नहीं है, आप एक बार दो बार जब रिवाइज कर लोगे ना चीजों को तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक दो बार आप जब एक बार देख लेते हैं तो ठीक हो जाता है, अगर आप एक ही बार देखोगे तब उतना क्लैरिटी नहीं मिलती है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करके रिविजन एंड करना होता है। तो काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर टेम्पल वाराणसी उत्तर प्रदेश, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आपका इंपॉर्टेंट श्राइन है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेशन थी। 1780 ईस्वी में निर्मित काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसमें पोल देने की मुझे जरूरत नहीं है, अभी ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बता दिया, लेकिन इस सवाल से आपको ये पता चल गया कि 1780 के अंदर निर्मित है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर लोकेशन थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाता करेक्ट। बाकी मैंने बता दिया था मैंने किसको डेडिकेटेड है ये बता दिया, और गंगा रिवर के किनारे पर लोकेटेड है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, उत्तर प्रदेश वाराणसी के अंदर लोकेशन है, ये चीजें हमने जान ली थी, और हमने ये भी जान लिया कि 1780 से आपका ये संबंधित है। अगला सवाल है, भगवान स्वामी नारायण को समर्पित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तो सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल डेडिकेटेड टू भगवान स्वामी नारायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी, ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। तो जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं, मेट्रो से ट्रेवल करना पसंद करते हैं, तो सभी ने देखा होगा सेक्टर 18 के बाद सेक्टर 15, सेक्टर 16 मयूर विहार फेज 1, देन आपका आता है अक्षरधाम टेम्पल। तो यार आपको याद रखना है, मैं इसमें और आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर आपको लोकेशन नजर आती है, भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मंदिर है, बाकी आप देख लीजिएगा, और इससे ज्यादा क्या ही बताऊं। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से किस मंदिर को बहाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? बहाई टेम्पल के नाम से जाना जाता है, दिए गए चार विकल्प में से कौन से मंदिर को? ये रहा आपका पोल,
बताइए भाई। बहाई हाउस ऑफ वर्शिप के नाम से एक्चुअली इसको कहा जाता है, बहाई मंदिर नहीं कहा जाता है, बहाई हाउस ऑफ वर्शिप के नाम से जाना जाता है। इसको हम फेमस नाम लोटस टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमारे आधुनिक भारत की जो आर्किटेक्चर है उसकी एक बड़ी मजेदार कला शैली को प्रदर्शित करता है। विकल्प नंबर रहेगा आपका यहाँ पर लोटस टेम्पल। कैसा दिखता है, देखना चाहोगे? कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, याद रखना है, बहाई हाउस ऑफ वर्शिप भी कहते हैं, लोटस टेम्पल नाम है, मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर की प्रदर्शनी करता है, याद आपने इसको रखना है। देखो, किसी को भी कोई भी अगर डाउट आ रहा हो, कोई प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, आई विल गाइड यू, आई एम आस्किंग यू कि आप डाउट सेक्शन के अंदर अपने डाउट डाल दीजिएगा। अगर आपको पर्सनली पूछना है कि सर क्या करें कैसे करें, मैंने अभी पीछे भी आपको इंस्टाग्राम आईडी बताई थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, Robin SIRG। आप चिल होकर मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं स्टूडेंट्स के रिप्लाई कर देता हूँ वहाँ पर पहुँचकर। ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपको टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैंने अपने व्हाट्सएप का ग्रुप डाला हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आकर आप मुझसे या फिर अपने साथी दोस्तों से चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखोगे? याद रखोगे। कमल मंदिर या फिर लोटस टेम्पल कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य के अंदर लोकेटेड है, पोल देने की जरूरत नहीं है, अभी हमने दिल्ली देखा था पीछे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमृतसर के अंदर लोकेटेड मंदिर है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज लोकेटेड इन अमृतसर। ये रहा आपका पोल, सभी को पता होगा वैसे तो, पोल के अंदर आंसर करना है भाई, बताइए। तो देखो, फुल गोल्डन डोम को लेकर प्रसिद्ध है, वन ऑफ दी मोस्ट पवित्र जो स्थल हैं सिख धर्म के, उनमें से जाना जाता है, गोल्डन टेम्पल आप नाम देते हैं, सभी को पता होगा, अमृतसर पंजाब के अंदर लोकेशन थी, ये हमें जाना है। तो ये मैंने फोटो दिखा दिया, मैंने आपको बाकी की जो बातें हैं वो बता दी, लोकेशन हमें जाननी थी वो हमने जान ली। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर्ण मंदिर जिसे श्री हरमंदिर साहिब या फिर श्री दराब साहिब के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा बनवाया गया था। पहली चीज, सवाल के अंदर आपको एक फैक्ट याद रखना है कि गोल्डन टेम्पल को हम और किस नाम से जानते हैं, श्री हरमंदिर साहिब या फिर श्री दरबार साहिब के नाम से जानते हैं, एक ये चीज आपको सवाल के रूप में याद रखनी है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, तो मैं पोल क्रिएट करता हूं आपके लिए, बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए। तो फिफ्थ नानक जी के द्वारा एक आइडिया आया कि भाई देखो, एक सेंट्रल प्लेस होना चाहिए जहां पर सिख धर्म के अनुयायी यहाँ पर आकर अपनी आस्था प्रदर्शित कर सकें। गुरु अर्जन देव जी को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। काफी कम लोगों ने आंसर किया है, मतलब नहीं पता था काफी लोगों को, समझ रहे हो? प्लीज याद रखिएगा, गोल्डन टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया, गुरु अर्जन देव जी के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, खुद ने इन्होंने ये आर्किटेक्चर को डिजाइन किया, बाकी मैंने यहाँ पर दिखा हुआ है क्या है कैसे है। ठीक है भाई, आगे आइए, गुरु अर्जन देव जी को लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन से नंबर के सिख गुरु के रूप में जाने जाते हैं, वैसे तो अभी मैंने पीछे आपको बता दिया था, लेकिन चलो दोबारा सिख सवाल के रूप में अब आपको याद रहेगा कि कल को अगर ये पूछ लिया जाए तो ये भी आपको याद रहेगा गुरु अर्जन देव जी के बारे में। तो ये हमारे कौन से नजर आते हैं, टोटल जितने भी, टोटल 10 गुरु है ना, शायद 10 गुरु हैं। ठीक है, तो उसमें से 5वें नंबर पे आपको गुरु अर्जन देव जी के बारे में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होता। ओके, चलिए आइए, 9 है, 10 है ना, 10 है, 10 है, सही, मैंने सही किया, बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला सवाल है, मार्कांडेश्वर महादेव मंदिर किस राज्य के अंदर लोकेटेड है, मार्कांडेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये रहा आपका पोल, बताइए भाई, दी मार्कांडेश्वर महादेव टेम्पल भगवान शिव को समर्पित एक इम्पोर्टेंट मंदिर के रूप में आपको नजर आता है, कहाँ पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है,
तो याद रखना है विकल्प नंबर डी, यानी कि हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होता। एक बार लीडर बोर्ड शो कर देता हूं आप लोगों को। जूही फर्स्ट पे है, नम्रता सेकंड, सुजीत थर्ड, दिनेश फोर, विनय फाइव, राहुल सिक्स, कैमिलिया सेवन, अंजू एट, सुगंधा नाइन और अन्ना टेन। ठीक है, ओके। तो ये है आपका, मैंने बता दिया मार्कंडेश्वर टेम्पल, लोकेशन हमें जाननी थी हरियाणा। दिलवाड़ा टेम्पल एसएससी इसको बार बार पूछता है, ठीक है। अगर आपने पिछले सालों के पेपर उठाकर देखे होंगे, दिलवाड़ा मंदिर की लोकेशन आपसे एसएससी बार बार पूछता है। ये रहा आपका कुल, बताओ भाई। तो कौन से धर्म से संबंधित है, वो भी आपसे सवाल पूछा जाता रहता है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है और लगभग 11th या फिर 13th सेंचुरी के बीच में इसको बनवाया गया था। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, डी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। माउंट आबू राजस्थान, सुंदर जगह है भी माउंट आबू, किसी का जाने का मन करे तो। ये लोकेशन है, मैंने आपसे बताया कि दिलवाड़ा टेम्पल लोकेशन माउंट आबू राजस्थान, एक ग्रुप ऑफ श्वेतांबर जैन टेम्पल से आपका संबंधित है। 11वीं 13वीं शताब्दी के अंदर बनवाया गया, जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान वालों को तो बिल्कुल पता होगा दिलवाड़ा टेम्पल को लेकर। देखो मैंने पूछा ना आपको, अभी मैंने पीछे भी बता दिया, इसका पोल लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये आपका पूछा जा चुका है, दिलवाड़ा टेम्पल की लोकेशन किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित था, अभी पीछे मैंने बताया था आपको, ठीक है। आगे आइएगा, तो नोन फॉर देयर आर्किटेक्चरल स्पेंडर एंड एग्जिट स्टोन कार्विंग, द दिलवाड़ा टेम्पल इन राजस्थान आर डेडिकेटेड टू जैन तीर्थंकर्स, याद रखिएगा। दिलवाड़ा टेम्पल को बनवाया गया इन चार विकल्प में से कब, ये रहा आपका पोल, बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए। एक हजार 31 याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जनरल एक डेट दी जाती है कि भाई इस टाइम पर बनवाया गया, और लोकेशन हम जान चुके हैं, जैन धर्म से संबंधित है, ये सब चीज हम जान चुके हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विमल शाह ने बनवाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट बाई विमल शाह, ये रहा आपका पोल। तो अभी मैं जो डिस्कशन कर रहा था ना आपसे, पीछे के जो मंदिर आपको दिखाए थे जो कि जैन धर्म से संबंधित थे, तो उनका निर्माण विमल शाह के द्वारा ही करवाया गया। तो आप यहाँ पर याद रखना है दिलवाड़ा टेम्पल, ठीक है, याद रखिएगा, समझ रहे हो। तो बाकी वही सेम चीज है, बस बनवाया किसने वो हमने जान लिया, कौन से शताब्दी से आपका संबंधित है वो हमने जान लिया, आर्किटेक्चर काफी फेमस है वो जान लिया, नाम क्या है वो जान लिया, लोकेशन क्या है वो हमने ऑलरेडी जान ली थी। लैग हो रहा है यार, एक बार बाकी लोग कंफर्म कर दीजिए, बाकी लोगों का भी लैग हो रहा है क्या? जसप्रीत एक बार यार अपना रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ को समर्पित है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज डेडिकेटेड टू फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म ऋषभनाथ, ये रहा आपका पोल, बताओ भाई। अब देखो यहीं से, वैसे तो मैं आपको एंशंट हिस्ट्री जो मैंने करा रखी है, आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर विजिट कर सकते हो, वहां पर भी मैंने कराया था कि जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर में पहले कौन थे, 23rd कौन थे, 24th कौन थे, और जो जो इंपॉर्टेंट थे उनके सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था। तो जो पहले थे ही आपका ये डेडिकेटेड है दिलवाड़ा जैन टेम्पल, जिसकी अभी हम पीछे बात कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखना है ये आपको, लोकेशन भी आपको याद रखनी है, जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं। अंतिम 5 सवाल आज की आपकी इस क्लास के आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये रहे। रण कपूर जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस द्वार पर आपका लोकेटेड है, रण कपूर जैन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग प्लेसेस। अब देखो मेरी एक बात सुनना, मुझे पता है कि आप में से आधे लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे कि सर इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे सवाल मंदिरों से संबंधित, हम कैसे याद रखेंगे। तो
वो याद हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आपने बस रिवीजन करना है। और अगर आप सीरियसली एसएससी अपने किसी भी अपकमिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बिना रिवीजन के बात नहीं बनती है। एक तो होता है कि पहले हम ये देखते हैं कि यार टेम्पल्स पूछे जाते हैं, तो फिर आपको टेम्पल्स याद रखने होते हैं। अब मैं जब करा रहा हूँ तो फिर स्टूडेंट्स के दिमाग में आने लगेगा कि इतना सारा एक बार में नहीं होता है, आप बार बार चीजें देखते हैं, आप बार बार चीजें देखते हैं, आप फिर ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ये वाली लोकेशन तो नहीं थी क्योंकि इसके बारे में तो मैंने कुछ और देखा था। तो यार रिवीजन आपको देखो इसमें काफी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। और वही मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट है, पिछले वाले क्वेश्चन का रॉन्ग बोल था मैंने, क्या क्या आंसर कर दिया, कुछ गलत आंसर कर दिया था क्या? ओ सॉरी, मैं दिलवाड़ा टेम्पल नहीं था इसका आंसर, सॉरी सॉरी यार, दिस इज माई फॉल्ट, माई येलो पॉची। ठीक है, तो रनकपुर जैन टेम्पल आपको याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। तो यार ये वाला मैंने आपको आई थिंक दिलवाड़ा टेम्पल इसका आंसर बता दिया था। हो जाता है, हमें भी कभी कभी दिक्कत आ सकती है, हम भी थोड़े ना भगवान जी के भैया हैं कि हमें सारी चीजें याद रहेंगी, हम भी भूल सकते हैं, आप भी के पास थोड़ी ना ये अधिकार भूलने का है ना। चलो फिर, तो ये याद रखना है, इसमें आपका रनकपुर जैन टेम्पल संबंधित हमने पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभनाथ उनसे संबंधित पाया है ना। तो रनकपुर जैन टेम्पल की मैं बात कर रहा था, लोकेशन आपको बतानी थी इन चार विकल्प में से कहां पर थी। मैंने इसका पोल आपको दे दिया था क्या? इसका आपका आंसर हो जाएगा पाली, राजस्थान के अंदर। ठीक है, रनकपुर जैन टेम्पल की अगर मैं आपसे लोकेशन की बात करता हूँ तो ये आपको रनकपुर जो कि सादरी ग्राउंड के पास में नजर आता है, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में, वहां पर लोकेटेड है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, और रनकपुर जैन टेम्पल का मतलब इम्पोर्टेंस क्यों होती वो भी मैंने बता दिया था, क्योंकि किससे संबंधित था वो आपका प्रथम जैन तीर्थंकर से संबंधित था। हमने लोकेशन जान लिया, पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। अगला सवाल है, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित बिरला मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है? बिरला मंदिर डेडिकेटेड टू गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड विष्णु नारायण इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? ये रहा आपका पोल, बताइए यार। बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, जयपुर के अंदर ही आपका लोकेटेड है। ठीक है, तो किसके द्वारा बनवाया गया था? बी एम बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, जयपुर राजस्थान के अंदर इसकी लोकेशन थी। बनवाया किसने? बी एम बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको बनवाया गया था, नाम से ही आपको नजर आ रहा है बिरला मंदिर। ठीक है, और इसको विष्णु लक्ष्मी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा, व्हाइट मार्बल से पूरा का पूरा बना हुआ है, 1988 के अंदर निर्माण कराया गया बी एम बिरला फाउंडेशन के द्वारा, जयपुर के अंदर लोकेशन है, नाम हमने जान लिया। ठीक है, ये है आपकी आज की क्लास का थर्ड लास्ट सवाल, देवी दुर्गा को समर्पित करणी माता मंदिर किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? करणी माता टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेट्स? ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। आप में से अगर किसी को भी लग रहा हो कि सर ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे हम किस किस को याद रखेंगे, देखो मैंने फिर आपसे कहा चीजें हमें जरूर याद रखनी पड़ेंगी, रिवीजन करना पड़ेगा, पेपर में पूछे जाते हैं ये, क्योंकि एसएससी वालों से तो शिकायत नहीं कर पाओगे आप, मुझसे जरूर कर सकते हो, एसएससी से शिकायत कैसे करोगे कि नहीं नहीं हमें नहीं जानना है, ऐसे बोल तो सकते नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया करणी माता टेम्पल के बारे में, लोकेशन बीकानेर राजस्थान के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, याद रखना है, काफी मान्यता प्राप्त मंदिर है। ठीक है, यह है करणी माता टेम्पल। यह है आपका सेकेंड लास्ट सवाल आज की इस क्लास का, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द टेम्पल ऑफ रैट्स? ये रहा आपका पुल, बताइए। तो अभी जो मैंने पीछे आपको बताया था ना, बीकानेर राजस्थान के अंदर लोकेशन करणी माता टेम्पल, उसको आपका टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है याद रखिएगा,
कुछ इस प्रकार से नज़ारे वहां पर देखने के लिए मिलते हैं, बाकी आप जानकारी ले लीजिएगा। ये है आपकी आज की क्लास का अंतिम सवाल। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग? इनमें से सबसे पुराना और पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। सभी को पता होगा, हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा चर्चाएं आपने सुनी होंगी, बहुत सारे आक्रमणकर्ताओं का रेगुलर आक्रमण करना और उसके साथ लूटपाट करना, तो आपके यहाँ पर नजर आएगा आपका सोमनाथ टेम्पल, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट रहता। फर्स्ट ज्योतिर्लिंग एंड ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ को पारंपरिक रूप से पहले तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। द्वादश यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थों की शुरुआत सोमनाथ मंदिर से होती है। मंदिर जिसे 16 बार नष्ट किया गया था, फिर से बनाया गया, पूरे भारत में श्रद्धा में आयोजित किया गया, किंवदंती परंपरा और इतिहास में आपको ये समृद्ध अपना रूप रखते हुए नजर आता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सोमनाथ टेम्पल की बात हमने पिछली क्लास के लास्ट में करी थी। आपसे पूछा जा रहा है कि सोमनाथ टेम्पल की लोकेशन क्या है, यानी कि सोमनाथ टेम्पल आपका कहाँ पर स्थित है। पोल के अंदर आप लोग आंसर करेंगे, बताइए भाई। सोमनाथ टेम्पल अपने आप में हिंदू टेम्पल के रूप में एक बड़ी मान्यता रखने वाला आपको मंदिर नजर आता है, और मोस्ट ऑफ द जो सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स आपको भारत के अंदर नजर आती हैं, उनमें से एक है। मोहम्मद गजनी के बारे में आपने सुना होगा, उसने कई बार इस मंदिर पर आक्रमण करके लूटपाट करने का काम किया था, लेकिन आपको याद रखनी है लोकेशन, और ये आपको नजर आएगा वेरवाल गुजरात के अंदर। ठीक है, याद रखोगे? किसी को अगर ये चीजें नहीं पता है तो ये सवालों के थ्रू आपको उनको याद रखने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे तो ये आता नहीं है, मैं किसी से कम हूं, इस तरीके से आपने सवाल का आंसर करना है। अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, सवाल का आंसर करने के बाद आप उसको याद रखने की कोशिश रखना। गुजरात के वेरवाल के अंदर आपको लोकेशन नजर आती है सोमनाथ टेम्पल की। तो ये है आपका सोमनाथ टेम्पल, मोहम्मद गजनी 11th सेंचुरी के अंदर बहुत ज्यादा आक्रमण करते हुए नजर आता है, इसके ऊपर रेपिटेडली डिस्ट्रक्टिव करते हुए नजर आता है, और हिंदू मान्यता के आधार पर फर्स्ट आपको ज्योतिर्लिंग श्राइन्स में देश के अंदर आपको नजर आता है। लोकेशन हमने जाननी थी, वेरवाल गुजरात के अंदर लोकेशन थी। ये सवाल मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुका हूँ। भारत में ज्योतिर्लिंगों की कुल संख्या आपको बतानी है। पोल के अंदर आंसर करोगे? चलिए पोल के अंदर आंसर कीजिएगा। मैं ऑलरेडी वैसे पीछे बता चुका था, बताओ भी। द टोटल नंबर ऑफ ज्योतिर्लिंग्स ऑल ओवर इंडिया। तो तेरे आपसे अगर कभी भी पहले नंबर पूछा जाए तो नंबर आपको याद रखना है 12। कौन कौन से हैं? सोमनाथ आपको नजर आता है, नागेश्वर, विमेश्वर, त्रिम्बकेश्वर, विद्यनाथ, ठीक है, महाकालेश्वर। अब देखो मेरे को भी एकदम से 12 रटे हुए याद नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ पर 12 याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने सारे के सारे डाल रखे हैं, इसमें आपको नजर आ जाएगा आपका सोमनाथ, नागेश्वर, विमशेश्वर, त्रिम्बकेश्वर, गृहेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन। ठीक है भाई, चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग्स। अभी मैंने आपको 12 के नाम बताए, अब इनमें से बताना है कि कौन उनमें से नहीं नजर आता है 4 विकल्प में से। ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। आसान है, इसमें आपको सीधे सीधे दिख रहा है अमरनाथ टेम्पल। अमरनाथ टेम्पल क्या आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है? जी नहीं है। सोमनाथ टेम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया था, बैद्यनाथ टेम्पल हमने देख लिया था, रामेश्वरम टेम्पल हमने देख लिया था, अमरनाथ टेम्पल नहीं है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और यही हमसे ये सवाल पूछ रहा था। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कितने हमारे देश के अंदर आपको ज्योतिर्लिंग्स नजर आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गजनी के तुर्की मोहम्मद मुस्लिम शासक महमूद ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए गुजरात पर आक्रमण किया था? अभी मैंने पीछे भी आइडिया दिया था आपको कि 11th सेंचुरी के अंदर वो आता है सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण करने की हम बात कर रहे हैं, महमूद ऑफ गजनी के द्वारा, तुर्किश रूलर के द्वारा। पोल मैं आपको देता हूँ, पोल में आप आंसर कीजिएगा, बताइए भाई। तो सारे ऑप्शन 11वीं शताब्दी के इन्होंने दे रखे हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक डेट यहाँ पर याद रखनी है। महमूद ऑफ गजनी रेड करता है गुजरात को इन 4 विकल्प में से कब, जिसमें कि सोमनाथ टेम्पल को इन्वेड करके ये
क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करता है। 1025 आपको ये डेट याद रखनी है, ठीक है? याद रखोगे? चलो भाई आइए आगे। तो इस प्रकार की हालत करके जाता है, 2 मिलियन दिनार यहां से ये लूट कर जाता है। सर एसएससी एमटीएस में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्या? जी नहीं, कभी कभी एक आधा सवाल आ जाता है कि कुछ देखकर उन्होंने पूछ लिया, बट ऐसा सच नहीं आता है। सोमनाथ ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, सोमनाथ ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बताना है। ये रहा आपका पोल। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द सोमनाथ ट्रस्ट? तो देखो होता क्या है ना, सोमनाथ ट्रस्ट, पहले आप आंसर कर दीजिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपॉइंट किया गया था नए चेयरमैन के पद पर आपके इस ट्रस्ट के अंदर, जो कि मैनेज करते हैं आपके पूरे के पूरे सोमनाथ टेम्पल का। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। 2021 के अंदर ऐसा डिसीजन लिया गया था। नरेंद्र मोदी जी इसका आंसर होंगे, ठीक है? याद रखिएगा सर, आप करंट अफेयर नहीं पढ़ाते हैं? सरिता जी बिल्कुल पढ़ाते हैं, एक बार आप हमारी प्रोफाइल को विजिट करके देखिएगा। हमने आपको अप्रैल मंथ तक के पूरे करंट अफेयर करा रखे हैं, लास्ट ईयर के जनवरी से, 2022 के जनवरी से लेकर इस साल के यानी कि 2023 के अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर आपको मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएगा। टाइमिंग नहीं, वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, यानी कि मैंने वो करा रखा है, तो उसका आगे जो भी आएंगी उसकी मैं लाइव क्लासेस लूंगा। अभी जो मैंने करा रखी है वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप जब अपने मन के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? एक बार आप एक्सेस करिएगा। तो मैंने आपको चेयरमैन के बारे में बता दिया, याद रखना है। अगला सवाल देखिए भाई। गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर किसको समर्पित है? सर जो करंट अफेयर है वो सफिशियंट है, और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है ना? अरमान ये वाली बात ना डाउट सेक्शन के अंदर डाल दो, क्लास के लास्ट में ले लेंगे। वैसे आप अगर सवाल पूछ ही रहे हैं तो मैंने आपसे कहा है कि आप एक बार मेरी प्रोफाइल पर अवेलेबल कंटेंट को, करंट अफेयर के कंटेंट को एक बार कर लेना। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है तो आप फिर और भी कर सकते हैं, बट वो एज सच काफी हेल्प करेगा आपकी, ठीक है? तो मैंने आपसे द्वारकाधीश टेम्पल की बात करी, द्वारका गुजरात के अंदर लोकेटेड है, किसको समर्पित है ये सवाल पूछा जा रहा था। ये रहा आपका पोल। बताइए भाई, नाम से पता चल रहा होगा वैसे तो आपको। लोकेशन क्या है, लोकेशन को लेकर आप याद रखिएगा। कल को अगर द्वारकाधीश टेम्पल का नाम देकर इसकी लोकेशन या फिर राज्य का नाम पूछ लिया जाए तो वहां पर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। द्वारकाधीश का मतलब क्या आता है? द्वारका के किंग। और अगर हम द्वारका के किंग की बात कर रहे हैं तो उसमें आप सभी को पता है भगवान कृष्ण का नाम आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है? द्वारकाधीश टेम्पल चार धाम डिस्टिंक्शन हिंदू पिलग्रिम्स में से आपको नजर आता है। द्वारका सिटी ऑफ गुजरात के अंदर लोकेशन है, भगवान कृष्ण को ये आपका समर्पित है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मंदिर भारत में चार धाम में से एक है? तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, मैं इसको पोल देकर आपको पकाने की कोशिश करूंगा नहीं, ना ही मुझे टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट है। द्वारकाधीश टेम्पल का अभी मैंने पीछे नाम दिया था, ये भारत के चार धामों में से एक साइट के रूप में आपको नजर आता है द्वारकाधीश टेम्पल। कौन कौन से हैं सभी को पता होगा, आपका पुरी, आपका रामेश्वरम, आपका द्वारकाधीश और आपका बद्रीनाथ। दीज आर दी चार धाम, एक पिलग्रिमेज साइट्स होती हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि अगर आप इनको विजिट करते हैं तो आपको साल्वेशन की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है? जी नहीं, भारत के चार धामों में आपको पुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारका नजर आता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बहुचरा माता मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मैं नाम लिया है, बहुचरा माता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पोल के अंदर आप लोगों को आंसर करना है। बताइए भाई। तो ये भी आपका गुजरात के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है? आगे आइए, याद रखिएगा, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है, मैं उतना ज्यादा इसके ऊपर वो नहीं कर रहा हूँ फोकस, बट पूछे जा चुके हैं ये सवाल।
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुजरात राज्य में स्थित दूसरा ज्योतिर्लिंग है? गुजरात के अंदर एक ज्योतिर्लिंग की बात तो हमने ऑलरेडी कर ली थी सोमनाथ मंदिर के रूप में। आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड ज्योतिर्लिंग जो कि आपको गुजरात राज्य के अंदर लोकेटेड नजर आता है, बताइए भाई। पोल आपके सामने है, बताइए। तो शिव पुराण के अंदर आपको इन सभी ज्योतिर्लिंगों का वर्णन देखने के लिए मिलता है, और गुजरात के अंदर आपको दूसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग में नजर आते हैं नागेश्वर मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा, ये है नागेश्वर मंदिर, गुजरात लोकेशन है, द्वारका के अंदर ही नजर आता है। शिव पुराण के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों में से इनका मेंशन देखने के लिए मिलता है, नाम है नागेश्वर मंदिर। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, गुजरात के नागेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? इसका पोल देने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने अगर ज्योतिर्लिंगों का जिक्र किया तो आप भगवान शिव का जिक्र वहां पर नजर आएगा। ठीक है, नागेश्वर टेम्पल ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है, कुछ इस प्रकार का नजारा होता है, याद रखना है। एक बार लीडर बोर्ड शेयर कर दूं, तो सुजीत पहले पर है, विनय सेकंड पर, आरजे थर्ड, अर्ना फोर, हिमांशु फाइव, आसिफ सिक्स, विराट सेवन, सुरेंद्र एट, दिनेश नाइन और सोनिया टेन। इस टेम्पल से अगला वाला जो आपका टॉपिक होगा वो आई थिंक आपका फेस्टिवल्स होगा, तो इसकी जो फोर्थ क्लास होगी, फोर्थ क्लास इस आपके कोर्स की लास्ट क्लास होगी, उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके नेक्स्ट वाले कोर्स का, ताकि उसमें आप डायरेक्टली जुड़ पाओगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर गुजरात राज्य में आपका स्थित है? भगवान सूर्य यानी कि सन गॉड को डेडिकेटेड टेम्पल का नाम बताना है, जो कि आपका गुजरात के अंदर ही लोकेटेड है। ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। इसका जिक्र कई बार बड़े बड़े पॉलिटिशियन अपने भाषणों के अंदर भी करते हैं, तो आपको नाम बताना है सन टेम्पल ऑफ कहाँ पर है, और सोलर डेटी सूर्य देवता को आपका ये संबंध समर्पित है। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है आपका? मेहसाणा। उस मेहसाणा का एक आपका गांव है जिसका नाम क्या है? मोधेरा। तो मोधेरा टेम्पल आपको ये याद रखना है, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये है आपका द सन टेम्पल ऑफ मोदेरा। मैंने आपको लोकेशन बताई, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर लोकेशन नजर आती है। सोलंकी डायनेस्टी के राजा भीमदेव के द्वारा इसको बनवाया गया था, तो ये भी याद रख लीजिएगा, कल को अगर यही सवाल पूछ ले आपसे, आप कैसे से बताइए, दिए गए विकल्प में से गुजरात का मोदेरा टेम्पल किसने बनवाया था, या फिर कौन से डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था, तो वो भी याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शिरडी साईं बाबा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? शिरडी साईं बाबा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? एकदम आसान सा सवाल है, ये तो सभी लोगों को पता होगा भाई, मतलब मोस्टली लोगों को पता होगा। तो भाई ये आपको महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे में है ना, पुणे में लोकेटेड नजर आता है शिरडी साईं बाबा। तो मैंने आपसे बात करी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी, ठीक है, और सभी को पता है कि बहुत सारे डिवोटीज पूरे देश से यहाँ पर जाते हैं। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर लोकेशन है। भगवान शनि को समर्पित शनि शिंगणापुर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट मंदिर है, जिसको रेगुलरली लेकर आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, बताइए भाई। शनि शिंगणापुर टेम्पल जो कि एक फेमस टेम्पल है, जो कि आपका लोकेटेड है कहाँ से? महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर आपको नजर आता है। तो जनरली जो भी लोग महाराष्ट्र के अंदर मंदिरों को विजिट करने के लिए जाते हैं, वो इन दोनों को ही विजिट करते हैं, जहाँ पर एक आपका शनि साई बाबा का मंदिर होता है और दूसरी तरफ आपका शनि शिंगणापुर होता है। ठीक है, हाँ अहमदनगर में, ठीक है, आ रहा, मैं समझ गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा, मुझे उससे याद था कि पुणे गए थे, पुणे से फिर हमने ट्रेवल किया था, तो वैसे करके याद रह गया था। ठीक है भाई, तो लोकेशन महाराष्ट्र थी, बाकी मैंने आपको बता दिया है, शनि शिंगणापुर टेम्पल नाम था, लोकेशन आपकी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। आगे बढ़ता है, भगवान श्री गणेश को समर्पित प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर किस स्थान पर लोकेटेड है? सभी को पता होगा, ठीक है, तो भगवान गणेश को समर्पित सिद्धि विनायक टेम्पल समर्पित आपको नजर आता है कहाँ पर, बताइए भाई।
तो आपने सभी ने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, अंबानी, ये सब लोग आपके जाते रहते हैं। कहाँ पर आपने जाते हुए देखा होगा? मुंबई के अंदर जाते हुए देखा होगा। तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड आपको नजर आएगा सिद्धिविनायक टेम्पल। बहुत ज्यादा मान्यता है, सभी को पता है किसके द्वारा बनवाया गया था? लक्ष्मण विट्ठू एंड देवभाई पाटिल के द्वारा। ये आपका 1801 के अंदर बनवाया गया था। रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया में से एक है। लोकेशन कहाँ पर है? प्रभा देवी, मुंबई महाराष्ट्र, इंडिया के अंदर लोकेटेड है। सिद्धि विनायक गणपति मंदिर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 2014 में महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लोगों को पुजारी के रूप में आमंत्रित करने वाला पहला मंदिर बना? समझ रहे हो क्या पूछा? विच अमंग दी फॉलोइंग टेम्पल बिकेम दी फर्स्ट टेम्पल जो इनवाइट करता है महिलाओं एंड पीपल जो कि बैकवर्ड क्लासेस से हैं एज प्रीस्ट इन 2014। तो ये रहा आपका पोल। देखो ऐसे जब मंदिरों का, किसी भी मंदिर का करंट अफेयर की न्यूज में या फिर न्यूज में आप मतलब हाल फिलहाल में जिक्र सुनते हैं ना, तो बिल्कुल ही देख लिया करो कि भाई अब तो ये पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि सवाल ऐसे बनते रहते हैं, ठीक है। तो बताइए भाई, इन चार विकल्प में से आपको दिया गया है एक विकल्प जिसका नाम है आपका क्या? आपका विठल टेम्पल या फिर विठोबा टेम्पल। आपको ये याद रखना है, ये पहला ऐसा मंदिर बना। लोकेशन आपको इसकी कहाँ पर नजर आएगी? पालमपुर। पता नहीं, मतलब मुझे लोकेशन का थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। फिलहाल आप याद रखिएगा, विठोबा और विठल टेम्पल इसका नाम है जहां पर इस प्रकार का फैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपको महाराष्ट्र के पंढरपुर के अंदर नजर आता है, ठीक है। तो 2014 में ये आपका फेमस हो गया था क्योंकि आपको यहाँ पर नजर आएगा कि महिलाएं और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को एज प्रीस्ट यानी कि पुजारियों के रूप में आमंत्रित करने वाला ये ऐसा मंदिर बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 13वीं शताब्दी में होसाला साम्राज्य द्वारा गठा गया था, बनाया गया था? महाराष्ट्र पंढरपुर में इसकी लोकेशन है। 13 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, पंढरपुर महाराष्ट्र, मैंने लोकेशन बताया है। होसाला एम्पायर के द्वारा उस मंदिर का नाम बताना है जिसको इन चार विकल्प में से बनवाया गया था, बताइए भाई। तो अभी जो मैंने आपसे पीछे डिस्कशन किया था, विट्ठल टेम्पल या फिर विठोबा टेम्पल, उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर मैंने आपको बताया था। लोकेशन मैंने आपसे डिस्कस करी थी। 2014 में चर्चाओं में क्यों था मैंने आपको ये बताया, और यहाँ पर मैंने आपको एम्पायर का भी नाम बता दिया कि होसाला एम्पायर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। बाकी ये जो चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं वही सेम चीजें हैं जो मैंने बोली हैं। ओके, अगला है त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी लोकेशन क्या है? ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। सभी को पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हिंदू मान्यताओं में एक बहुत बड़ा नाम त्र्यंबकेश्वर शिव टेम्पल लोकेटेड आपको नजर आता है। भगवान शिव को ये आपका डेडिकेटेड है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आपका विकल्प नंबर यहाँ पर नासिक महाराष्ट्र करेक्ट हो जाता, ठीक है। चलिए आगे आइए, बाकी मैंने लोकेशन आपको बता दी है। गोदावरी रिवर का ओरिजिन भी आपका यही वाला रीजन है। यहाँ पर त्रिम्बक के बराबर में गोदावरी रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है। ये सब भी बातें हमने आपसे करी हुई हैं। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल दिए गए चार विकल्प में से किसके द्वारा बनवाया गया था? ये रहा आपका पोल, बताइए भाई, बताइए। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो कि एक रिलीजियस सेंटर है जहां पर आपको पता चलता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था किसके द्वारा? थर्ड पेशवा। थर्ड पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी होता करेक्ट, बालाजी बाजीराव के द्वारा बनवाया गया था त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, ठीक है। कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर लोकेटेड है? मैं आपसे उस टेम्पल या फिर स्तूप की बात कर रहा हूँ जिसकी जो लोकेशन है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर आपको नजर आती है। ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। फेमस है, स्तूप के नाम से आपने इसको कई बार सुना होगा। तो बताइए, बुद्धिस्ट
कॉम्प्लेक्स यानी कि बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। इसको ग्रेट स्तूपास के अंदर आपका काउंट करा जाता है। कहाँ पर नजर आता है? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर नजर आता है। नाम है इसका सांची स्तूप। ठीक है, याद रखोगे? याद रखना है, कुछ इस प्रकार सा देखने के लिए आपको मिलता है। अशोक के द्वारा इसका 3rd सेंचुरी BC के अंदर कमीशन ओरिजिनली करवाया गया था। ठीक है भाई, लोकेशन हमने याद रखनी है। कल को पूछ ले जाए सांची स्तूप की लोकेशन बता दो, वो याद रखना है। किससे एसोसिएटेड है वो हमें याद रखना है। किसने बनवाया वो याद रखना है। अच्छा सवाल था ये आपका। अगला सवाल देखिए भाई, जो सांची स्तूप आपको मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमने दिखाया, वो डेडिकेटेड है दिए गए 4 विकल्प में से कौन से धर्म के अनुयायियों के लेकर? तो मैं इसका पोल आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बुद्धिज्म से समर्पित आपको आपके इस स्तूप के बारे में बताया था। इसकी लोकेशन भी हमने जानकारी के रूप में की थी आपके मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें पोल लेने की कोई जरूरत नहीं थी। बुद्धिज्म से आपका संबंधित है, सांची स्तूप की हम बात कर रहे थे। सैंड स्टोन से आपका ये बनवाया गया था। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के रूप में आपको ये बड़े नामों में नजर आता है। एक बार मैं वो पहले लीडर बोर्ड शेयर कर देता हूँ। तो सुजीत फर्स्ट पे हैं, आरजे सेकंड, आसिफ थर्ड, विनय फोर, विराज फाइव, वरना सिक्स, गणेश सेवन, सुरेंद्र एट, हिमांशु नाइन और अंशु 10। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? वैसे तो मैंने देखो आपको पीछे बता ही दिया था, बट फिर भी चलो ठीक है, आप पोल के अंदर आंसर कर दीजिए। बताइए भाई, द ग्रेट स्तूप एट सांची, वन ऑफ द एल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स भारत के अंदर जो नजर आती है उनमें से एक है। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंटल है, भारत की वास्तुकलाओं में से एक है। ओरिजिनली कमीशन की बात करी जाएगी तो मौर्य एम्परर अशोक द ग्रेट के द्वारा 3rd सेंचुरी BC के अंदर इसको बनवाया गया था। तो डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। ठीक है, आगे आइए। बाकी ये सब की सब चीजें जो भी जानकारी के रूप में है मैंने आपको यहाँ पर लिखकर भी बता रखी हैं, इनको भी आप एक बार देख जरूर लीजिएगा। खजुराहो मंदिर की बात करते हैं, किस जिले के छतरपुर में स्थित है? मतलब किस राज्य के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है? खजुराहो टेम्पल की मैं बात कर रहा था, ये रहा आपका पुल। बताइए भाई, आसान है ये भी, कई बार आपने सुना होगा अलग अलग जगहों पर। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक ग्रुप ऑफ हिंदू और जैन टेम्पल्स के रूप में आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नजर आता है, और कौन से राज्य के अंदर? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्टिंग के अंदर आपको नजर आता है। नगर स्टाइल से आपका ये बनाया गया है। विकल्प नंबर बी मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो ये है आपके खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आपके ये एसोसिएटेड है। नगर स्टाइल से ये आपका बनाए गए हैं। लोकेशन हमने जान ली है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, हिंदू और जैन टेम्पल्स के रूप में आपके ये फेमस है। ठीक है, चलिए आगे आइए। खजुराहो मंदिर का जो निर्माण करवाया वो इन 4 विकल्प में से किस वंश ने करवाया? ये भी अच्छा सवाल है, SSC इसको भी बार बार घुमाकर पूछती रहती है। ये रहा आपका पोल, बताओ भाई। देखो ये जितने भी सवाल करा रहा हूँ, अब आप इनको हल्के में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वैसे लेना चाहिए नहीं आपको आइडियली। ठीक है, तो बताइए भाई, मोस्ट खजुराहो टेम्पल्स आपको 950 से लेकर 1050 AD के बीच में कंस्ट्रक्टेड नजर आते हैं, और ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? चंदेला डायनेस्टी के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी करेक्ट रहता। ठीक है, चंदेल डायनेस्टी के द्वारा। ओके याद रखने हैं, याद रखने हैं, याद रखने हैं, याद रखने हैं। अगला सवाल देखिए भाई, इन 4 विकल्प में से वो कौन सा मंदिर है जिसकी लोकेशन उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर आपको नजर आती है और भगवान शिव को वो आपका समर्पित नजर आता है? ये रहा आपका पोल, बताइए बताइए मित्रों। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये हिंदू टेम्पल जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड है, और लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लोकेशन आपको उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर इसकी नजर आती है, और एक इम्पोर्टेंट पवित्र नदी शिप्रा वो भी आपको इनके बैंक पर नजर आती है, इनके किनारे पर नजर आती है। तो क्या नाम था इसका? इसका नाम था महाकालेश्वर। ठीक है, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। एक्सप्लेन अगेन प्लीज।
उज्जैन मध्य प्रदेश इज द लोकेशन ऑफ द टेम्पल, द नेम ऑफ द टेम्पल इज महाकालेश्वर एंड दिस इज वन अमंग द फॉलोइंग वन अमंग द 12 ज्योतिर्लिंग्स जो कि आपको देश के अंदर नजर आते हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, रिवर, तो शिप्रा रिवर भी आपको इनके बैंक पर नजर आती है. मतलब ये मंदिर शिप्रा रिवर के बैंक पर नजर आता है. ठीक है, तो बाकी की मैंने लिखा हुआ है, हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड भगवान शिव को है, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, होली रिवर शिप्रा पर आपको नजर आता है, याद रखना था. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम है. निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अगेन बताओ भाई. तो अभी मैंने जो आपको पीछे बताया, तो मैं इसका पोल देने की मुझे जरूरत नहीं है. मैंने आपको पीछे महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में बताया था, लोकेशन उज्जैन मध्य प्रदेश बताई थी, शिप्रा रिवर के किनारे पर बसा हुआ मंदिर बताया था. तो ऑप्शन नंबर सी, महाकालेश्वर टेम्पल इज वन अमंग दी 12 ज्योतिर्लिंग इंडिया. ठीक है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों के मैंने नाम लिखे हुए हैं, सभी का मैं जिक्र कर चुका हूँ ऑलरेडी. मध्य प्रदेश में आपको दो ज्योतिर्लिंग लोकेटेड नजर आते हैं, महाकालेश्वर का हम नाम जान चुके हैं, दूसरे वाले जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन से हैं? तो ये रहा यार आपका पोल, बताइए 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 बताइए. मध्य प्रदेश के अंदर आपको दो ज्योतिर्लिंग नजर आते हैं, जिसमें कि पहला हमने ऑलरेडी आपको बताया महाकालेश्वर, और दूसरा आपको नजर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आपको नजर आता है ओंकारेश्वर. ठीक है, ओंकारेश्वर सेकंड ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर. ठीक है, लोकेशन आपको हमने यहाँ पर दिखा दी, लगभग 140 किलोमीटर साउथ में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नजर आता है. अगला सवाल, सर आपको नींद आ रही है? नहीं नहीं नींद नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं है, वो बासी आ जाती है कभी कभी, सबको आती है वो. तो मैं टोटल क्लास पूछ रही हूँ किस किस टाइम होती है. अभी हमारी एक 9 AM पर क्लास होगी, जो कि आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक, कौन सा टॉपिक, टॉपिक का नाम है आपका टेम्पल्स इन इंडिया. उसके बाद सेकेंड क्लास होगी हमारी 3 PM पर, जो कि स्पेशल क्लास होगी, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं अभी आप लोगों को दे दूंगा. थर्ड क्लास होगी हमारी 6:30 बजे, जो कि इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होगी, इकोनॉमिक्स का हमारा थ्योरी सेक्शन चल रहा है. आपसे घबराइएगा मत ना कि सर ये इकोनॉमिक्स कब से शुरू हो गया, मेरा पुराना कोर्स चल रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं. शाम को 6:30 बजे वो होगी, और फिर रात में 8:30 बजे आपकी GS की प्रैक्टिस का नया कोर्स शुरू होगा, जिसका लिंक भी मैं आपको आपके टेलीग्राम पर डालूंगा. टेलीग्राम का लिंक अभी मैं आपको दे दूंगा. वैसे नाम क्या है हमारे टेलीग्राम का, EDU24. ठीक है, तो वहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा. सर नोट्स क्लास के साथ ही बनाने हैं? नहीं, बाद में आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. अगला सवाल देखो, कौन सा वो मंदिर है जो कि राजा लिंगराजेंद्र द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है. ये रहा आपका पोल. तो अभी जो मैंने आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में मध्य प्रदेश के अंदर बताया था ना, नाम क्या था, ओंकारेश्वर, यही आपका इसका आंसर बनेगा. लोकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी. तो ओंकारेश्वर याद रखना है, लिंग राजेंद्र द्वितीय के द्वारा ये आपका बनवाया गया था, तो ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग. भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थान पर लोकेटेड है? कंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इज लोकेटेड एट विच ऑफ दीज फॉलोइंग प्लेसेस? केंद्रिया महादेव टेम्पल लोकेटेड कहाँ पर है, ये आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड नजर आता है. विकल्प नंबर आपका यहाँ पर खुजराओ, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, याद रखेंगे. तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, खुजराओ विलेज है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स आपको लगभग इतने में फैला हुआ नजर आता है.
कंदरिया महादेव टेम्पल की हम बात कर रहे थे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है? ग्वालियर के अंदर लोकेशन है, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ये रहा आपका पुल, बताइए भाई। तो ये भी आपका 11th सेंचुरी के अंदर बनवाया गया था, कि नाम याद रखना है, सहस्त्र बाहु टेम्पल। ठीक है, याद रखिए, ग्वालियर के अंदर लोकेटेड है, काफी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। ओके, तो किंग महीपाला के द्वारा बनवाया गया था, और मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर लोकेशन है, 11th सेंचुरी के अंदर ट्विन टेम्पल के रूप में बनवाया गया था, सहस्त्र बाहु टेम्पल इसका नाम है। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को सास बहू के नाम से भी जाना जाता है? ये रहा आपका पुल, बताइए भाई। वो ना वो वाली बातें होती हैं, क्या आप बोलते हैं तो वो एक स्लैंग वैसा सा बन जाता है। ठीक है, तो सास बहू टेम्पल, जिसको हम सहस्त्र बाहू टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये आपका वही है जिसकी हम बात कर रहे थे, सहस्त्र बाहु, जिसको सास बाहु टेम्पल के नाम से भी कह दिया जाता है। रीजन बीइंग ये वही बोलने में वैसा रहना। तो ग्वालियर सिटी मध्य प्रदेश के अंदर लोकेशन है, याद रखिएगा। एक बार लीडर बोर्ड शेयर कर देता हूँ, आरजी फर्स्ट पे है, आसिफ सेकंड पर, विराज थर्ड, विनय फोर, हिमांशु फाइव, दिनेश सिक्स, सरना सेवन, सुरेंद्र एट, सुजीत नाइन और अमन टेंथ। अंतिम लास्ट 10 सवाल अपनी इस क्लास के खत्म कर देते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर आप अपनी बाकी की क्लासेस या फिर बाकी के पढ़ाई पर लगिएगा। निम्नलिखित में से किस सिख नेता ने स्वर्ण मंदिर का पुनर्निर्माण किया और संगमरमर की संरचना में सोने के चमकदार बाहरी आवरण को जोड़ा? आपको बताना है कि वो कौन से सिख लीडर थे जिन्होंने रिबिल्ड किया गोल्डन टेम्पल को और एड किए उसके अंदर स्पार्कलिंग आउटर कवरिंग ऑफ गोल्ड टू दी मार्बल स्ट्रक्चर। नाम बताना है उनका। ये रहा आपका पुल, बताइए भाई, बताइए। बड़ा नाम है, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी इनके बारे में बताया था। हरमिंदर साहिब बोल दीजिए या फिर गोल्डन टेम्पल बोल दीजिए, जो कि प्रमुख गुरुद्वारा आपको नजर आता है सिखिज्म के अंदर, सिखों की मान्यताओं को लेकर। आपसे पूछा जा रहा है कि मार्बल के अंदर सोने जड़वाकर इसको एक अलग आवरण, अलग कवरिंग को देने का काम किसने किया था? महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होता। ठीक है, बाकी मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा ये सब किया गया और उसके बाद ही ये आपका गोल्डन टेम्पल कहलाया जाने लगा। सिख लोगों की मान्यताओं को लेकर एक इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल में से एक है गोल्डन टेम्पल, या फिर हरमंदिर साहिब के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, महाबोधि मंदिर इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर ऑप्शन? महाबोधि टेम्पल की बात कर रहे हैं। ये रहा आपका पोल, बताइए यार। महाबोधि टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक आपका ये रूप है, उसके अंदर मतलब दर्ज है, और बुद्धिस्ट टेम्पल है बिहार के बोध गया के अंदर, ये आपको लोकेटेड नजर आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता, बोध गया बिहार। किसकी बात कर रहे थे? महाबोधि टेम्पल की हम बात कर रहे थे। सभी को पता है, अगर मैं बोध गया की बात करता हूं, तो महात्मा बौद्ध जी को ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वहां पर ज्ञान की प्राप्ति करी थी, यानी कि एनलाइटनमेंट की बात करी थी, कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है। महाबोधि टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये आपका लिस्टेड है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो महाबोधि टेम्पल बिहार के अंदर आपको नजर आया, वो इन चार विकल्प में से किसके शासनकाल के अंदर निर्मित किया गया था? वो ले रहा आपके सामने, बताइए भाई, बताइए, बताइए, बताइए। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टेम्पल है, जो कि एम्परर अशोक के द्वारा बनवाया गया था 3rd सेंचुरी BC के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता, सम्राट अशोक। ठीक है भाई, आगे आइए। महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में स्थित है, जहां पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सभी को अभी मैंने पीछे बताया था, गौतम बुद्ध जी को,
ज्ञान की प्राप्ति को लेकर आपका बौद्ध गया फेमस है बिहार के अंदर, लोकेशन महाबोधि टेम्पल हमने ऑलरेडी जान लिया था। तो याद रखिएगा निरंजन रिवर बौद्ध गया, जहां पर आपको नजर आते हैं महात्मा बौद्ध जी को एनलाइटनमेंट को लेकर सवाल। याद रखोगे, याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बिहार के कैमूर जिले में लोकेटेड है? लोकेटेड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, मंदिर का नाम बताइए भाई। ये रहा आपका पोल, बताइए 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 बताइए। मंदिर का नाम आपको बताना है, हिंदू टेम्पल्स के मुख्य मंदिरों में से एक है। और रामगढ़ विलेज आपको नजर आता है, मुंडेश्वरी हिल्स आपकी कैमूर जो सोन रिवर है उसके करीब में पड़ता है। और बिहार के अंदर लोकेशन थी, टेम्पल का नाम हमसे पूछा गया था, टेम्पल का नाम क्या है आपका? मुंडेश्वरी देवी टेम्पल, ठीक है, मुंडेश्वरी देवी टेम्पल इसका नाम है। जो लोग वहां पर लोकेटेड है, जो लोग उधर के हैं वो लोगों को पता होगा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है मॉन्यूमेंट साइट को 1915 से, और ओल्डेस्ट टेम्पल इन द हिस्ट्री में भी इसका नाम दर्ज है। मैंने हिल्स का नाम आपसे बात कर ली, मैंने कौन से प्लेटो की बात करी, मैंने रिवर की बात करी, लोकेशन की बात करी, नाम की मैंने आपसे ऑलरेडी बात करके ली है, ठीक है। केमिस्ट्री का आपका और जितेंद्र सर का कोर्स दो पार्ट में है? नहीं, मेरा तो यार एक पार्ट में ही होता है, मैं कोई दो पार्ट वाला सीन नहीं रखता हूँ, मेरा एक पार्ट में है सुबेश, ठीक है भाई। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अष्टकोणीय डिजाइन के लिए प्रसिद्ध मुंडेश्वरी देवी मंदिर दिए गए चार विकल्प में से किस वर्ष बनवाया गया था? तो ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था, मैंने रिवर का नाम लिया था, सोन रिवर के करीब में आपको नजर आता है, ओल्डेस्ट टेम्पल जो भी आपको नजर आते हैं उनमें से एक आपको नजर आता है, लोकेशन मैंने आपको बता दी थी कि ये आपको बिहार राज्य के अंदर लोकेटेड नजर आता है, इसको बनवाया कब कराया गया था? तो ये आपका क्या, इसमें मैंने गलत कर दिया क्या पोल? एक्चुअली में यार ये ना आपका 108 AD, इसमें तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है। एक्चुअली में इसको 108 एडी बोला जाता है, जो ASI है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने जब इसका होता है ना कि एज के बारे में हम पता लगाते हैं, तो उन्होंने अभी पीछे भी मैंने बताया था ना आपको, तो 108 एडी इसका आंसर होगा, इसमें गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पीछे देखो लिखा भी हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी डेट बताई कि ये आपका 108 एडी के अंदर आपका है, 1915 से आपका ASI इसको प्रोटेक्ट करता है। लोकेशन हमने बात कर ली थी, किस किस को समर्पित है ये भी याद रख लीजिएगा, भगवान गणेश, सूर्य देव और विष्णु देव को ये आपका समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर झारखंड राज्य के अंदर लोकेटेड है? विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड? ये रहा आपका पोल, बताइए मित्रों। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और आप आंसर बता दीजिए, नाम क्या है? बैद्यनाथ मंदिर, ए विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल ऑल्सो नोन एज दी बाबा बैद्यनाथ धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भगवान शिव को समर्पित है, लोकेशन हमने आपको ऑलरेडी बता दी है, आपका झारखंड राज्य के अंदर लोकेटेड है। आज की क्लास का थर्ड लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैद्यनाथ मंदिर के बारे में सही नहीं है? आपको देखो यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इन चार स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सही नहीं है बताना है। ये रहा आपका पोल, ऑप्शन ये है आपके, ये है ऑप्शन, ठीक है, बताइए। तो सही नहीं है, तो बैद्यनाथ टेम्पल झारखंड के अंदर लोकेटेड है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बिल्कुल ठीक है, लोकेटेड इन बिहार है, तो यही आपका गलत हो जाता है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, ये ठीक हो जाएगा। थर्ड वाला जो था यानी कि केवल 3 आपका गलत होगा, तो ये ऑप्शन आपको चूज करना था, आसान था। ये है आपका सेकेंड लास्ट सवाल आज की इस क्लास का, किस मंदिर को भारत का व्हाइट पगोडा कहा जाता है? SSC कई बार पूछ चुका है इसको, वेस्ट टेम्पल इज कॉल्ड दी व्हाइट पगोडा ऑफ इंडिया, ये रहा आपका पोल, बताइए भाई।
बताइए लोकेटेड कहाँ पर है ये आपका? पुरी के अंदर लोकेटेड है और उड़ीसा राज्य के अंदर आपको नजर आता है। व्हाइट पगोडा के नाम से इसको कहा जाता है और इसको हम किस मंदिर के रूप में जानते हैं? जगन्नाथ टेम्पल के रूप में जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। एसएससी बहुत बार पूछ चुका है इसको। व्हाइट पगोडा, बाकी मैंने बताया जगन्नाथ टेम्पल, लोकेशन हमने उड़ीसा राज्य के पुरी के अंदर देख ली किस नाम से बुलाया जाता है, और जो पवित्र स्थल है उनमें से एक है। लोकेशन हमने उड़ीसा ऑलरेडी जान ली थी। लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र और देवी शुद्धा को आपका ये समर्पित है। सी ऑप्शन करेक्ट होता। और ये है आपकी आज की क्लास का अंतिम सवाल। सवाल पूछ रहा है कि अनंत वर्मन चोंडगंग देव गंग वंश के प्रसिद्ध राजा ने निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को बनवाया था? पूरे अंदर ये आंसर कर दीजिएगा। ये रहा आपका बोल, बताइए। तो अभी जो मैंने आपको उड़ीसा राज्य के पुरी के अंदर जगन्नाथ टेम्पल की बात करी थी, तो एक फेमस किंग हुआ करते थे गंग डायनेस्टी के, जिनका नाम क्या था? अनंत वर्मन चोडगंग देव, इनके द्वारा इसको बनवाया गया था। ए विकल्प ही आपका यहाँ पर करेक्ट होता। बात हमने ऑलरेडी इसकी कर ली थी। ये रहा। तो भारत के चार धामों में से एक नहीं है आपको बताना है। मैंने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर आपको चारों धामों के बारे में बताया था, कौन नहीं है उसमें ये आपको बताना था। पोल आपके सामने है, बताइए। तो देखो, जब चार धाम की हम बातें करते हैं तो ये आपका एक सेट ऑफ चार तीर्थ स्थलों में आता है जो कि भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपके? बद्रीनाथ है, द्वारका है, पुरु है और आपका रामेश्वरम है। ठीक है, हम अपनी ऐनक साफ कर लेते हैं, 1 मिनट रुकना। तो इन चार विकल्प में से आपसे पूछा गया था कि कौन नहीं है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा केदारनाथ टेम्पल। कौन कौन से थे वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको नजर आएगा आपका बद्रीनाथ, आपका द्वारका, आपका पुरी और आपका रामेश्वरम। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि इन चारों धामों का हमें विजिट करना चाहिए। अगला है जगन्नाथ टेम्पल की हम बात करेंगे। जगन्नाथ मंदिर इन चार विकल्प में से आपका कहाँ पर लोकेटेड है? ये रहा यार आपका पोल, बताइए। अगर कोई चीज किसी को नहीं आती है ना, तो उसको लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर देखो हमें तो आता नहीं है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है। ये क्लास के अंदर आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, इनको बस सवालों के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो मोस्ट इम्प्रेसिंग मॉन्यूमेंट के रूप में आपको पुरी हमारे देश के उड़ीसा राज्य के अंदर नजर आता है। श्री जगन्नाथ पुरी टेम्पल के नाम से इसको जाना जाता है। 12th सेंचुरी के अंदर इसको आपका कंस्ट्रक्ट कराया गया था। किसके द्वारा? आपके अनंता वर्मन देव, अनंता वर्मन देव करके नाम था, उनके द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर पुरी उड़ीसा हो जाता। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था? अनंत वर्मन आपका चोडगंग देव के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था। उड़ीसा के अंदर लोकेशन थी, श्री जगन्नाथ पुरी की हम बात कर रहे थे। अगला सवाल देखिए, ये पता नहीं एसएससी कितनी बार पूछ चुका है इस पहले सवाल को। कोणार्क टेम्पल के बारे में पूछ रहे हैं, ये आपका लोकेटेड है कौन से राज्य के अंदर? बार बार आपके पेपरों में पूछा जाता रहता है। ये रहा है आपका पुल, बताइए। कोणार्क टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग दीज फोर स्टेट्स? सिचुएशन की हमने बात करी है तो ये हमारे देश के उड़ीसा राज्य के अंदर आपको नजर आता है। लॉर्ड सूर्य देव को ये आपका डेडिकेटेड है, उनसे आपका ये संबंधित है। याद रखिएगा नरसिंहम देव वन ने इनको बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता रहता है, किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंहम देव वन के द्वारा ये आपका बनवाया गया था। कोणार्क सन टेम्पल की हम बात कर रहे थे, लॉर्ड सूर्य को डेडिकेटेड है, किंग नरसिंह देव वन के द्वारा बनवाया गया। लोकेशन हमने जान ली, हमने नाम जान लिया, याद रखिएगा। पूछे जा चुके हैं ये, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ मैं, कभी आपको लग रहा हो कि मैं अपने मन से सवालों को बताता जा रहा हूँ, पिछले सालों के पेपर उठाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उड़ीसा के जो अभी मैंने कोणार्क मंदिर की मैंने आपसे बात करी थी, वो आपका कौन से देवता को समर्पित है? इसमें मुझे पोल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था, ये आपका सूर्य देव को समर्पित है। सन लॉर्ड सूर्य को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है। बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होता। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल तो ये है, बाकी मैंने ऑलरेडी आपको सारी की सारी चीजें से रिलेटेड बता दी थी।
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 13वीं शताब्दी में पूर्व गंग राजवंश के द्वारा बनवाया गया? ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के द्वारा 13वीं सेंचुरी के अंदर दिए गए चार विकल्प में से आपको कौन से मंदिर का निर्माण नजर आएगा? अभी वैसे मैंने डिस्कशन आपसे उसी का करा था, बट फिर भी चलो पोल के अंदर आप आंसर कर दीजिएगा। कोणार्क सन टेम्पल, 13वीं सेंचुरी सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा के अंदर आपको लोकेटेड नजर आता है, और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर को आपका राजा नरसिम्हम देव के द्वारा बनवाया गया था, जो कि आपके पूर्वी गंग डायनेस्टी से संबंधित है, 1255 BCE के अंदर। तो आपका यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल ही उत्तर हो जाता। ठीक है, बाकी ये जितनी भी जानकारी दी है वो मैंने आपको बोलकर भी बताई है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको आपके थियोरेटिकल स्लाइड के ऊपर भी जो कंटेंट है वो डाल दिया है। जगन्नाथपुरी मंदिर को व्हाइट पगोडा के रूप में जाना जाता है, उसी तरह कोणार्क सूर्य मंदिर को किसके रूप में जाना जाता है? देखो गौरव कमेंट कर रहे थे, मैंने आपके कमेंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारा, मुझे पता था कि मैंने आगे सवाल इसके ऊपर डाला हुआ है। ठीक है, और यही फायदे हो जाते हैं, जैसे कि अभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई व्हाइट पगोडा किसको कहा जाता है, तो वो जगन्नाथपुरी टेम्पल को बोल दिया, और अगर कोणार्क सन टेम्पल के बारे में पूछा जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, ये आपका कहलाएगा ब्लैक पगोडा। ठीक है, याद रखोगे। अब इन दोनों के बीच में आपको कल को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लियरली से आपको अपने पेपर में अगर सवाल पूछा जाएगा तो उसको आंसर करना है। ठीक है भाई, तो कोणार्क मंदिर को यूरोपीय नाविकों के खातों में ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बड़े टीयर वाले टॉवर की तरह दिखता है, जो कि काला दिखाई देता है। कोणार्क पुरी जिले उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है, ऑलरेडी बाकी संबंधित जानकारी हमने पीछे देख ली थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कोणार्क मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कोणार्क टेम्पल? तो ये आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये ऑप्शन है आपके, ये वाले जो है ये आपके ऑप्शन है, मैं आपका पोल देता हूँ, पोल के अंदर आपको आंसर करना है, देखिए कौन सा गलत है, मैंने ये पूछा है तो बताओ भाई। पहली चीज, ये वाला तो ऑप्शन कोई आंसर मार्क ही नहीं करेगा, क्योंकि सभी को पता है कि कोणार्क सन टेम्पल को आपका ब्लैक पगोडा कहा गया, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कोणार्क सन टेम्पल का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, क्या इन्होंने करवाया था, इन्होंने तो नहीं करवाया था, तो आपका तीसरा और चौथा वाला जो आपका गलत होते, ये आपका नरसिम्हम देव वर्मन वन में आपका इसको करवाया था, और ये आपके दोनों स्टेटमेंट क्योंकि गलत होते, हमसे गलत पूछे गए थे, तो 3-4 गलत होने से ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। सन गॉड को यानी कि सूर्य देव को समर्पित है, लोकेशन उड़ीसा के अंदर है, ये ऑलरेडी बातें हमने जान ही ली थी। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला सवाल देखिए। कौन सा मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में आपका लोकेटेड है? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर लोकेटेड मंट टेम्पल की आपको बात करनी थी, ये रहा आपका पोल, बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी SSC बहुत बार पूछ चुका है, बताओ भाई। तो लगभग 100 फीट हाइट का आपको इसके अंदर एक मैसर स्ट्रक्चर नजर आता है, नाम है इसका लिंगराज टेम्पल। ठीक है, और मोस्ट प्रोमिनेंट और हाईएस्ट टेम्पल के रूप में भुवनेश्वर के अंदर आपको नजर आता है। एक आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी शैली से आपका बना हुआ है, तो उसको आपका फूला शैली करके बोलते हैं, फूला शैली ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं, फिलहाल आप याद रखिएगा लिंगराज टेम्पल। अब इसको सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि इसका नाम टेम्पल का देकर आपसे लोकेशन पूछ लेंगे, तो लोकेशन भी क्लैरिटी से याद रखनी है आपको। ठीक है, तो यूला स्टाइल आर्किटेक्चर से आपको निर्मित देखकर मिलता है आपका ये लिंगराज टेम्पल। मैंने लोकेशन की बात कर ली, कितना मैसिव है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शिव और विष्णु के रूप हरिहर को समर्पित है? कौन सा वो मंदिर है जिसे डेडिकेट किया गया है हरिहर को, जो कि शिव और विष्णु के क्या है, रूप है? तो मैं पोल आपका क्रिएट करता हूं, पोल के अंदर आंसर कीजिएगा, बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए। लोकेशन इसकी भुवनेश्वर के अंदर है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट जो टेम्पल्स आपको नजर आते हैं उनको ये आपका उस रूप में आपको ये देखने के लिए मिलता है। लॉर्ड हरिहर को ये डेडिकेटेड है, जो कि क्या है, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु का एक कंबाइंड फॉर्म है, उनका ही एक
रूप है। तो यहाँ पर आपका वही लिंगराज टेम्पल करेक्ट उत्तर होता। ठीक है, याद रखोगे, चलिए आगे आइएगा। अगला सवाल ये भी आपसे एसएससी पूछ चुका है। सवाल क्या कह रहा है, भोरमदेव मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? भोरमदेव मंदिर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? पूछा जा चुका है ये सवाल आपसे, ये रहा, बताइए भाई। एसएससी ने ये मेरे ख्याल से 2017 के टाइम पर पूछा था। आई आई नो दिस। तो नाम क्या था आपका? बोरमदेव टेम्पल। और एक रॉकी श्राइन है, उसके अंदर से इसके क्राव्ड आउट करके बनाया गया है, यानी कि एक शिला थी उसके अंदर से इसको आपका कार्व आउट करके, यानी कि उससे निकाल कर बनाया गया था। तो ये आपको नजर आता है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये आपको देखने के लिए मिलता है। सिंगल रॉक स्ट्रक्चर है ये, ऐसे नहीं है कि किसी का अलग पार्ट, एक सिंगल रॉक के अंदर आपको ये नजर आता है। ठीक है, नाम क्या था इसका? हमने ऑलरेडी जाना, इसका नाम हमने भोरमदेव मंदिर के रूप में जाना। और नगर स्टाइल, यानी कि अलग अलग आर्किटेक्चर की आपको शैलियां नजर आती है, नगर स्टाइल की शैली के अंदर आपको नजर आता है छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये नजर आता है। ठीक है, चलिए तो एक बार लीडर बोर्ड शेयर कर देता हूँ यार आप लोगों के साथ। अनुराग फर्स्ट पे है, दिनेश सेकेंड, अरना थर्ड, विराज फोर, सुजीत फाइव, नम्रता सिक्स, सुरेंद्र सेवन, विनय एट, और कशिश नाइन, और हिमांशु 10। आगे आइए भाई। ठीक है, किस मंदिर को छत्तीसगढ़ के खुजराओ, छत्तीसगढ़ का खुजराओ भी कहा जाता है? विच टेम्पल इज नोन एज द खुजराओ ऑफ छत्तीसगढ़? ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। देखो तो टाइटल्स जो दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड आपके सवाल बनते हैं। तो अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था, भोरमदेव मंदिर जो कि भगवान शिव जी को आपका समर्पित है, और इस टेम्पल को देखा जाए तो आर्टिफिशियली सिचुएट करा गया है माउंटेन रेंजेस के बीच में। ये आपका लगभग 7वीं सदी के अंदर, इसको 7वीं और 11वीं सेंचुरी के अंदर इसको कहा जाता है कि इसको बनवाया गया। खुजराहो छत्तीसगढ़ के नाम से भी इसको ये टाइटल दिए जाते हैं। तो विकल्प आपका वही रहेगा, भोरमदेव मंदिर। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। देवी दंतेश्वरी को समर्पित आपसे मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। दंतेश्वरी टेम्पल जो कि आपकी गॉडेस दंतेश्वरी जी को समर्पित है, इसकी लोकेशन को लेकर आपसे सवाल पूछा गया था। ये रहा आपका पुल, बताइए यार। सभी ने सुना होगा, काफी चर्चाओं में रहता है दंतेश्वरी मंदिर की हम बात कर रहे हैं। एक मंदिर जो कि देवी दंतेश्वरी को डेडिकेटेड है, और ये वन ऑफ दी 52 जो शक्ति होती है, शक्तिपीठ होती हैं, शक्तिपीठ आपकी श्राइन्स होती हैं, उनमें से ये आपकी एक है। ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर लोकेटेड है, जो कि आपका बस्तर डिस्ट्रिक्ट में नजर आती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपका अच्छा सवाल था। बाकी की संबंधित जानकारी आपको यहाँ से जरूर जरूर लेनी है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रतनपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है? Which of the following temple is located in रतनपुर छत्तीसगढ़? देखो होता क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जनरली क्या होता है, जब ऐसे टॉपिक में कराना शुरू करता हूँ ना, टॉपिक को करने से पहले बड़ा एक्साइटमेंट होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि यार हाँ टेम्पल से सवाल आते हैं, टेम्पल से सवाल आते हैं। लेकिन जब चीजें शुरू हो जाती है ना, तो
ऐसे लगने लगता है कि इतना सारा इतना सारा इतना सारा नहीं है, 150 सवालों का कलेक्शन है, वो आपको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना है, आपको जरूरत नहीं है फिर उधर जाने की। फिर आपको करंट अफेयर में अगर किसी के बारे में सुनने के लिए मिलता है, उसको रिवाइज कर लेना है, उसको रिवाइज करके बस आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपसे बात करी है, आपका वो मंदिर जो कि नजर आता है छत्तीसगढ़ के रतनपुर में, नाम है इसका आपका महामाया टेम्पल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये है आपका महामाया टेम्पल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर जिले, रतनपुर में स्थित है, जो 52 शक्तिपीठ है उनमें से एक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा मंदिर है जो कि देवी लक्ष्मी और पार्वती जी को समर्पित है। विच टेम्पल इज डेडिकेटेड टू देवी लक्ष्मी एंड सरस्वती, ये रहा आपका पोल। बताइए भाई, अभी जो हमने आपको लोकेशन बताई थी आपके छत्तीसगढ़ राज्य के रतनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर मैंने आपको 52 या फीटों में से एक इम्पोर्टेंट शिलाएं बताई थी, श्राइन बताई थी, उनमें से आपका नजर है महामाया, और महामाया का जो डेडिकेशन है वो किसको है, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती को, ठीक है। एक मैंने अमन कराया भी हुआ है, आप एक बार मेरी प्रोफाइल विजिट कीजिएगा, ठीक है। आगे भी मैं कराऊंगा, लेकिन अगर आपका हाल फिलहाल में ही पेपर हो तो आप मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस से अपना ये वाला कंटेंट पूरा कर सकते हो, ठीक है। देवी काली को समर्पित दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है? देवी काली को डेडिकेटेड मंदिर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है आपका, दक्षिणेश्वर काली, ये रहा आपका पोल। बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल एक हिंदू नवरत्न टेम्पल के रूप में आपको नजर आता है, दक्षिणेश्वर कोलकाता के अंदर, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो हुगली रिवर के जो पूर्वी किनारा है उस पर आपको ये नजर आता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर रहता है। इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पूछे जा चुके हैं ये, ठीक है। तो मैंने कौन से रिवर के किनारे पर है, लोकेशन क्या है, नाम क्या है, ये सब बातें आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं बेलूर मठ के बारे में, कि बेलूर मठ आपका कौन से राज्य के अंदर स्थित है। बेलूर मठ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेट्स, ये रहा आपका पोल। बताइए यार, बेलूर मठ क्या है ये आपका, जो रामकृष्ण मठ की हम बात करते हैं या फिर रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, आप ऐसे मान लीजिएगा। और अगर मैंने रामकृष्ण मिशन की बात करी है तो सभी समझ गए होंगे कि ये आपका कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ओके। तो बेलूर मठ की बात करी जाए, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। हुगली नदी बेलूर पश्चिम बंगाल भारत के पश्चिमी तट पर लोकेटेड है, मंदिर रामकृष्ण आंदोलन का हार्ट है, यानी कि केंद्र है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था ये। बेलोर मठ की जब हम बात करते हैं तो बताइए ये आपका डेडिकेटेड है इन चार विकल्प में से किसको, ये रहा आपका पोल। सभी को पता है वैसे पोल देने की मुझे जरूरत थी नहीं, तो बेलोर मठ की जब कभी भी बात करी जाए तो ये अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर्स है रामकृष्ण मिशन का, जो कि 16.5 किलोमीटर आपको दक्षिणेश्वर नजर आता है हुगली नदी से, ठीक है। तो किसको डेडिकेटेड है, ये सभी बातें आपको मैंने पीछे बताई, रामकृष्ण परमहंस जी को ये आपका डेडिकेटेड है, ठीक है, याद रखोगे भाई। चलो आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुवाहाटी असम के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी में स्थित है। गुवाहाटी असम राज्य का वेस्टर्न पार्ट, नीलाचल हिल के अंदर लोकेटेड मंदिर का नाम आपको बताना है, ये रहा आपका पोल। बताइए यार, अब देखो अलग अलग राज्य से मैंने कोई अलग एक सिंगल राज्य के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स नहीं दिखाए हैं आपको, ठीक है। अब यार बनते हैं ये सवाल, अब मैं वही वाली बात आपको बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि इन चीजों को प्लीज हल्के में मत लीजिएगा। तो आपको एक टेम्पल के बारे में याद रखना है, जिसको आप याद रखने हैं कामरूप मंदिर, ठीक है। तो कामरूप या फिर खमरूप टेम्पल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम, डिस्ट्रिक्ट गुवाहाटी के वेस्टर्न पार्ट के नीलाचल हिल के अंदर आपको ये लोकेटेड नजर आता है,
ठीक है, एक मेला भी आपको यहाँ पर याद रखना है जिसको आप अम्बुबापची मेला कहते हैं, काफी फेमस है ये उधर की साइड में, याद रखोगे? चलिए याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर मयूर द्वीप पर कौन सा मंदिर आपको नजर आता है? टेम्पल बताना है जो कि पीकॉक आइलैंड पर है, रिवर ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी असम के अंदर। ये रहा आपका पोल, बताइए भाई, बताइए 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 बताइए। पहली चीज तो यही याद रखिएगा, कल को हो सकता है कि पीकॉक आइलैंड के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से रिवर पर लोकेटेड है, कौन से राज्य के अंदर आता है, तो उसमें आपको वो चीज याद रखनी है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा कि इसका नाम क्या है, ये है आपका उमानंद देवलोई मंदिर। ठीक है, हर रूप में आपको सवालों को देखना है, तो इस प्रकार से आपको इसकी लोकेशन नजर आती है, रिवर आपकी ब्रह्मपुत्र थी, पीकॉक आइलैंड था जिसको आप उमानंद द्वीप के नाम से भी जानते हैं, नाम क्या था इसका, उमानंद देवलोई टेम्पल। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि नवग्रह मंदिर कहाँ लोकेटेड है? द नवग्रह टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर स्टेट्स? ये रहा आपका पोल, बताइए यार। नवग्रह, नवग्रह टेम्पल की मैं बात कर रहा था, लोकेशन आपको बतानी है। एक प्रोमिनेंट टेम्पल है नवग्रह की, अगर हम बात करते हैं तो इनको जाना जाता है कि इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, इसको कंस्ट्रक्ट करा गया 18th सेंचुरी, 1792 या 1752 के टाइम में। एक किंग थे, इनका नाम था अहोम, अहोम किंगडम के राजा थे उनके द्वारा। तो गुवाहाटी असम के अंदर लोकेटेड है, नाम क्या था, नवग्रह टेम्पल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है, अहोम किंगडम के राजा के द्वारा बनवाया गया था 1752 के अंदर, 18th सेंचुरी, टेम्पल नवग्रह नाम लिया, लोकेशन गुवाहाटी असम रही। लीडर बोर्ड ये रहा आपके सामने, अर्ना फर्स्ट पे, सुजीत सेकंड, दिनेश थर्ड, नम्रता फोर, अनुराग फाइव, साक्षी सिक्स, विराज सेवन, कशिश एट, सुरेंद्र नाइन और हिमांशु 10। चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे बोला जा रहा है, नेग्रेटिंग शिव डोल कहाँ पर आपका स्थित है और ये भगवान शिव जी को समर्पित है, यह है रीसस बंदरों के लिए भी आपका काफी फेमस है, रीसस मंकीज को लेकर पॉपुलर है, भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है, नाम क्या है आपका, निग्रेटिंग शिव डोल, ये आपका लोकेटेड कहाँ पर है, ये सवाल आपसे बताइए यार। तो असम के अंदर लोकेटेड है भैया आपका। ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये रहा। नाम दिया गया है आपको नेगेटिंग शिव डोल किस राज्य के अंदर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है और यह रीसस बंदरों के लिए भी, ये मैंने करा दिया था, रीसस मंकीज करा दिया था। 102 से आपको स्टार्ट करना है, 102 से। चलिए ये वाला सवाल देखिए। हाईग्रीव माधव मंदिर कौन से राज्य के अंदर आपका लोकेटेड है? ये रहा आपका पोल, पोल के अंदर आप आंसर कीजिएगा। अगर नहीं पता होगा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हर सवाल का आंसर मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। नाम है हरग्रीवा महादेव टेम्पल, नाम आपको पता है। इसका हिल एक बार आपके, मतलब ये देखो राज्य से संबंधित भी आपकी कई सारी चीजें पूछी जाती रहती हैं, जैसे कि अगर कोई किसी राज्य से एसोसिएटेड है, किसी राज्य से संबंधित है, उस राज्य के जो आपके राज्य लेवल के एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर ये सवाल आपके बन जाते हैं। तो ये आपका असम राज्य के अंदर आपका लोकेटेड है और मणिकुट करके एक हिल्स नजर आती है जहां पर इसको आपकी लोकेशन नजर आती है। तो यहाँ पर आपका स्टेट हो जाएगा असम और हमने नाम क्या जाना है इसका, हयग्रीव माधव टेम्पल। मैंने हिल्स की बात करी तो हिल्स आपको याद रखनी है, मणिकुट हिल पर आपको ये नजर आता है असम राज्य के अंदर। ठीक है, अगला वाला जो आपका टॉपिक होगा जो कि कल की मॉर्निंग की 9 AM की क्लास से स्टार्ट होगा, उसका टॉपिक रहने वाला है आपका फेस्टिवल्स, जो त्योहार हमसे हमारे पेपरों के अंदर पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर हम इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स को स्टार्ट कर देंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अहोम शासक द्वारा बनाया गया उग्रतारा मंदिर आपका इन कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? पोल के अंदर ही आंसर करना है।
अब देखो इस सवाल के अंदर या फिर इस सवाल से रिलेटेड एक फैक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो उग्रतारा मंदिर जो कि आपको असम के अंदर नजर आता है वो किस डायनेस्टी ने बनवाया था या फिर कौन से साम्राज्य के शासकों ने बनवाया था। तो अहोम रूलर्स के द्वारा बनवाया गया आपका उग्रतारा टेम्पल, लोकेशन क्या है इसकी, असम है। ओके, बाकी कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख जाएगा, किंग सेवा सिंह के द्वारा ये आपका मंदिर बनवाया गया असम राज्य के अंदर। अगला सवाल पूछ रहे हैं, 51 शक्ति पीठों में से एक माता बारी के नाम से लोकप्रिय सुंदरी मंदिर निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के अंदर आपका लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर लोकेटेड आपका सुंदरी टेम्पल जिसको आप माता बारी मंदिर के नाम से भी जानते हैं और ये आपका 51 शक्ति पीठों में से एक है, कौन से पूर्वोत्तर राज्यों में लोकेटेड है, ये रहा आपका पोल, बताइए। देखो आप में से कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे मंदिर हैं कैसे याद रखेंगे, ये तो हमें याद कैसे रखना जाएगा, इसको लेकर कैसे करें। तो मैं हमेशा आपसे बताता रहता हूँ कि स्टैटिक जीक्यू को लेकर जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स करे हैं उनकी मिक्स क्लासेस मैं आपको स्पेशल क्लास के अंदर कराता हूँ, सो दैट के जो प्लस पर लर्नर नहीं है उनको भी वो चीजें एक्सेस करने का मौका मिल जाए। और उसके साथ साथ मैं आपको इनका डिस्कशन ये रेगुलर रिवाइज करने के लिए बोलता हूँ कि आपको इन चीजों को रेगुलरली रिवाइज करना है। तो देखो हिंदू मान्यता का एक आपको मंदिर नजर आता है त्रिपुरा के अंदर, आपको ये सुंदरी टेम्पल नजर आएगा, त्रिपुरा सुंदरी करके एक माता है उनको आपका ये मंदिर समर्पित है, इसको आप देवी त्रिपुरेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें करी हैं सिचुएशन की हमसे आपसे बात करी गई है, तो त्रिपुरा के एक एंशंट सिटी सिटी अगरतला के अंदर आपको ये नजर आता है, बात कर रहे थे हम आपके सुंदरी टेम्पल की, आंसर क्या हो जाएगा आपका त्रिपुरा। क्या क्या रिलेटेड फैक्ट थे वो भी मैंने आपको देने की कोशिश करी, ठीक है। बाकी ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ना ये प्लीज आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा सो दैट कि उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा आपको डिटेलिंग मिल जाए। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फालतू में एक्स्ट्रा टाइम हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, बट मैं डिटेलिंग आपको बताता रहूंगा जितनी भी मेरे से बनेगी, ठीक है। भगवान शिव को समर्पित 600 से 700 ईस्वी में निर्मित ऊनकोटि गुफा मंदिर दिए गए चार विकल्प में से कहां पर लोकेटेड है। मैं ऊनकोटि केव टेम्पल की बात कर रहा हूँ, 600-700 AD के बीच में ये आपका बनाया गया, भगवान शिव को ये आपका समर्पित है, लोकेशन हमें बतानी है, ये रहा आपका पोल, बताइए। ऊनकोटि फेमसली इसको जाना जाता है आपका अंकोर वॉट के नाम से, ठीक है, अंकोर वॉट के नाम से भी इसको जाना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के एक इंपॉर्टेंट राज्य त्रिपुरा के अंदर ही आपको ये नजर आता है, तो यहाँ पर आपका आंसर त्रिपुरा ही हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये है आपका ऊनकोटि त्रिपुरा, दिस आपका राज्य हमने जान लिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के प्राइम टूरिस्ट स्पॉट में आपको ऊनकोटि डिस्ट्रिक्ट के अंदर नजर आता है त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर आपका लोकेटेड है। इस बार लोकेशन आपसे दे दी है और लोकेशन देने के बाद मंदिर का नाम पूछा जा रहा है। नॉर्थन बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर लोकेटेड अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको इन चार विकल्प में से कौन सा मंदिर नजर आता है, पोल ये रहा आपके सामने, ट्राई कीजिए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप याद जरूर रखिएगा, बताइए भाई। तो देखो अपने आप में एक आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलता है, इसकी लोकेशन का नाम देकर ही SSC इसके बारे में पूछ चुका है, नाम है इसका आकाशगंगा मंदिर या फिर आपका मालिनीथान मंदिर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर, राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश, एक एंशियंट साइट और यूनेस्को कल्चरल पार्क के अंदर भी आप अपने आपको नोट कराता है, आंसर आपको याद रखना है मालिनीथान टेम्पल, या फिर आपका नाम मैंने दूसरा आपको क्या लिया था इसका, दूसरा नाम क्या लिया था मैंने इसका, आकाशगंगा मंदिर, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाता है, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र भगवान राधा कृष्ण को समर्पित गोविंद जी मंदिर किस राज्य के अंदर लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर वैष्णवीज गोविंद जी टेम्पल जो कि भगवान राधा कृष्ण जी को आपका डेडिकेटेड है, इसकी लोकेशन आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट है ये भी, बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए। श्री गोविंद जी टेम्पल लार्जेस्ट वैष्णव टेम्पल के रूप में नजर आता है आपको मणिपुर के इम्फाल में, ठीक है। तो
एक सवाल आपसे इस मंदिर से क्या बन सकता है कि बताइए कि लार्जेस्ट वैष्णव टेम्पल आपको कौन सा नजर आता है या फिर कहाँ पर नजर आता है? तो ये आपको नजर आएगा मणिपुर के इम्फाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आपको याद रखना है, भगवान राधा कृष्ण जी को ये आपका समर्पित है मणिपुर, इसकी लोकेशन थी। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से ये आपको नजर आता है। आगे आइएगा, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जयंता हिल्स जिले में नंतियान दुर्गा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? लीडर बोर्ड 10 सवालों के बाद देखेंगे। ठीक है, नतियंग दुर्गा टेम्पल की बात कर रहा था जो कि जयंता हिल्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका लोकेटेड है, कौन से राज्य के अंदर? जयंता हिल्स से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए था। एसएससी पूछ चुकी है कि जयंता लिंक्स आपकी कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड नजर आती है, बताइए भाई। नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके बनते हैं वहां के आपके या तो हिल्स या फिर वहां की ट्राइब्स। ट्राइब्स को लेकर भी मैंने आपको रेगुलरली चीजें कराई हैं और मैंने आपको रेगुलरली ये भी बताया है कि कौन कौन सी पहाड़ियों का सीक्वेंसिंग आपको वहां पर नजर आता है। नरसिंह दुर्गा टेम्पल की बात कर रहे थे, मेघालय राज्य के अंदर आपको ये 600 साल पुराने मंदिरों के रूप में नजर आता है, मेघालय आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये आपको नजर आता है, याद रखना है ये आपको। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पश्चिम सिक्किम में रंगीत रिवर के तट पर लोकेटेड है? अब देखो मैं बताता हूँ आपको, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य या फिर ऐसे मंदिर जिनके बारे में आपको लगता होगा कि मैंने कभी सुना ही नहीं है, वो उसको ज्यादा देते नहीं है तवज्जो, लेकिन यार आपको देनी है। मैं आपसे इसलिए बार बार बातें कह रहा हूँ क्योंकि ये वाले सवालों को इग्नोर करना बहुत ईजी होता है, लेकिन जब ये चीजें आपके पेपरों के अंदर बन जाती हैं तो फिर हम ढूंढते हैं कि हम क्या करें कैसे करें। काश वो वाला टाइम जो हम क्लास कर रहे थे तो हम ये वाले सवाल को देख लेते हैं। एक दो बार आपको ये चीजें देखने की जरूरत होती है, आपको बार बार उतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं देखना है। आप आओ किसी वीकेंड पर, पीडीएफ अपनी ओपन करो, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो, दैट्स ऑल। जितना ज्यादा बार उसको देख लोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। तो वेस्ट सिक्किम की मैं बात कर रहा था, रंगीत रिवर पर लोकेटेड आपको मंदिर का नाम बताना था, पोल ये रहा आपके सामने, बताइए। अगला चैप्टर जो हमारा आएगा वो मैं आज ही लॉन्च करा दूंगा, कल से उसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। मॉर्निंग में 9 AM पर भी मैं आपकी उसकी क्लास रखूंगा और उसका नाम क्या होगा आपका, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स जो कि भारत के अंदर आपको त्योहार नजर आते हैं, बताइए भाई। तो कई सारे लोगों ने विकल्प नंबर सी को आंसर किया है, आंसर रहेगा आपका कीर्तेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लोकेशन क्या है, रिवर का नाम भी याद रखिएगा, कल को इस सवाल को घुमाकर पूछ लिया जाएगा कि बताइए दिए गए विकल्प में से मंदिर का नाम क्या भाई, कीर्तेश्वर महादेव मंदिर कौन सी नदी के तट पर बना हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको रंगीत रिवर याद रखना है, वेस्ट सिक्किम के अंदर आपको ये लोकेटेड नजर आता है, याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है, देवी काली को समर्पित दीमापुर कालीबाड़ी मंदिर दिए गए 4 विकल्प में से कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। दीमापुर कालीबाड़ी टेम्पल नाम था, हिंदू टेम्पल है, लोकेशन आपको बतानी है, नाम ही आपको पता चल रहा होगा दीमापुर, तो एक्चुअली में दीमापुर एक सिटी है आपके नागालैंड के अंदर, तो इस तरीके से भी आपके लिए इजी पड़ सकता था। तो नागालैंड के दीमापुर के अंदर लोकेटेड आपको नजर आता है आपका दीमापुर कालीबाड़ी टेम्पल जो कि देवी काली माँ को समर्पित है, विकल्प नंबर सी नागालैंड आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। एक बार लीडर बोर्ड शेयर कर देता है, अंजू फर्स्ट पे हैं, सुबोध सेकंड, विनय थर्ड, गौतम फोर, जूही 5, आसिफ 6, दिनेश 7, सशा 8, चांदवी 9 और राहुल 10। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हजार स्तंभ रुद्रदेवी स्वामी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? थाउजेंड प्लर या फिर रुद्र स्वामी टेम्पल की लोकेशन आपको बतानी है, राज्यों का आपको नाम दिया गया है, बताइए, इंपॉर्टेंट है, ये वाला चर्चाओं में रहता है। द थाउजेंड पिलर टेम्पल और दी रुद्र स्वामी टेम्पल एक हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल के रूप में आपको नजर आता है, एक जगह है, एक टाउन है जिसका नाम क्या है, हनमकंडा, जो कि आपको कौन से राज्य के अंदर नजर आता है, तेलंगाना राज्य के अंदर नजर आता है, भगवान शिव को ये आपका डेडिकेटेड है, करेक्ट आंसर रहेगा इसका तेलंगाना। ठीक है, अच्छा एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जितनी भी हमने आपके क्वेश्चंस अभी तक किए हैं इस टॉपिक से, आप ऐसे देखते होंगे कि एक एक करके मैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की तरफ लेकर गया, मैंने मणिपुर के बारे में बता दिया कि मणिपुर के अंदर कौन कौन से मंदिर थे, फिर मैंने असम के बारे में बता दिया, फिर मैंने नागालैंड के बारे में बता दिया, फिर मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता दिया,
तो ये होता क्या है ना, जब इस तरीके से आपको सीक्वेंशियल मिलते हैं कि भाई मैंने आपके चार सवाल एक राज्य में, यानी कि चार एक राज्य के चार मंदिरों के बारे में बता दिया, फिर अगले राज्य के आपको चार पांच मंदिरों के बारे में बता दिया, तो ये बहुत ईजी कर देता है आपको इन चीजों को याद रखने के लिए। ठीक है, बाकी तो आप समझदार हैं। ठीक है, तो ये है भाई, और यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और अगर यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भगवान शिव, विष्णु और सूर्य देव को ये आपका समर्पित है। मैंने लोकेशन की बात करी थी, तेलंगाना राज्य के अंदर लोकेटेड है, हनमकोंडा करके आपको एक सिटी नजर आता है तेलंगाना में वहां पर। ठीक है, दिए गए विकल्प में से वो कौन सा मंदिर है जो कि तेलंगाना में स्थित विष्णु शिव और सूर्य को समर्पित है और 12वीं शताब्दी के काकतीय राजा रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। तो अभी नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इसका पोल लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर आपका 1000 पिलर या फिर रुद्रेश्वर मंदिर भी हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 स्तंभ, रुद्रेश्वर मंदिर आपका तेलंगाना के अंदर लोकेटेड था, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया। बनवाया कितने, तो काकतीय डायनेस्टी आपको नजर आती है हमारे एंशियंट टाइम में, जिसका एक राजा आपको नजर आएगा जिसका नाम क्या था, रुद्रदेव। ये भी याद रखना है, इसको भी आपसे उठाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, पोल के अंदर आपको बताना है। ये रहा आपका पोल, बताइए भाई, इसके बारे में भी आप चर्चाएं सुनते रहते होंगे। नाम आपको बताना है, लोकेशन है आपकी आंध्र प्रदेश राज्य के प्रखम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और मंदिर का नाम रहेगा आपका रामलिंगेश्वर टेम्पल। ठीक है, रामलिंगेश्वर टेम्पल इज द नेम ऑफ द टेम्पल, लोकेशन इज इन आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। ये है आपका रामलिंगेश्वर स्वामी टेम्पल, लोकेशन आंध्र प्रदेश, डेडिकेटेड भगवान हिंदू गॉड शिव को आपको ये डेडिकेटेड है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित कौन सा मंदिर दुनिया के सभी सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, द रिचेस्ट टेम्पल, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड एंड द हाइएस्ट डोनेशन, जो कि लोकेटेड आपको नजर आता है तिरुमला आंध्र प्रदेश के अंदर, उस मंदिर का आपको नाम बताना था। ये रहा आपका पोल, बहुत ज्यादा मान्यताएं आपको नजर आती होंगी सुनने में, बताइए भाई। नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। लोकेशन मैंने आपको बता दी, मोस्ट पॉपुलर है, बहुत मोटे तौर पर यहाँ पर डोनेशंस नजर आती हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका रहेगा बी, वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल या फिर तिरुपति बालाजी टेम्पल, बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं, वर्ल्ड के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक ही आपको नजर आता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं नाम जाना जाता है, तो नहीं जाना जाता है पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि जो बाकी के तीन ऑप्शन है वो कौन से हैं। तो लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल इज नॉट नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फोर नेम्स, पोल के अंदर आपको आंसर करना है, बताइए भाई। तो मैंने आपसे लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर की जब बात करी तो इसमें आपको कई सारे नाम के बारे में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि आपको तिरुमला मंदिर के रूप में नजर आएगा, तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में अभी मैंने पीछे बताया था, इसके साथ में टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आंध्रा टेम्पल नाम नहीं दिया जाता है, विकल्प नंबर डी आपका इस सवाल का करेक्ट उत्तर रहता। ठीक है, टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स, तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुमला टेम्पल, दीज आर द अदर नेम्स ऑफ द श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि वारा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर कौन से राज्य के अंदर या फिर किस जगह पर आपका लोकेटेड है, वारा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल की मैं बात कर रहा था, ये रहा आपका पोल, बताइए यार। श्री वारा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है, सिचुएशन आपको बतानी है। हिल्स रेंज के बारे में अगर आप याद रखोगे तो सिमू करके कुछ हिल्स हैं, वहां पर आपको लोकेटेड नजर आता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेशन है वारा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल की। हिल्स के बारे में आपको याद रखना है, ये आपको नजर आएगा सिंहाचलम हिल्स, सिंहाचलम हिल्स पर आपको नजर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को सिमाद्री या फिर सिंहाचलम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो अभी मैंने पीछे आपको बता दिया, पोल की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था वारा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, हिल्स की मैंने बात करी थी, जहां पर आपको सिंहाचलम हिल्स के बारे में मैंने बताया था आपके
आंध्र प्रदेश के अंदर। तो वारालक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मैं दूसरा नाम आपसे पूछ रहा था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर लोकेटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योतिर्लिंग्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश? ये रहा पोल, पोल के अंदर आपने आंसर करना है। बताइए भाई, हिंदू टेम्पल, भगवान शिव एंड पार्वती जी को ये आपका डेडिकेटेड है। इन चार विकल्प में से बताना था कि वो कौन से शिवलिंग है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। मल्लिकार्जुन शिव टेम्पल आपको याद रखना है, लोकेशन इज इन आंध्र प्रदेश। कुछ इस प्रकार से आपको विजुअल्स नजर आते हैं। बाकी ये जो चीजें लिख रखी है ना, इनको भी अगर आप देखना चाहें तो उनको भी रीड आउट कर सकते हैं। मैं उतना ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा इसको, फिर दोबारा से आपको एक्सप्लेन करके और इसके ऊपर टाइम लगा के आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। हमें जस्ट जानने की ज्यादा जरूरत होती है कि ये लोकेशन क्या है। जनरली लोकेशन से ही सवाल बनता है, या फिर डेडिकेटेड किसको है ये सवाल बनता है। तो उसमें भी हमें अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना है। आंध्र प्रदेश में स्थित श्री मल्लिकार्जुन मंदिर किस देवता को समर्पित है? अभी जो मैंने आपसे मल्लिकार्जुन टेम्पल की लोकेशन के बारे में आंध्र प्रदेश से पूछा था, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से भगवान को समर्पित है। तभी पीछे मैंने आपको बताया था शिव और पार्वती जी को समर्पित था। मैं बता चुका हूँ, देखो जो चीज मैं पिछले सवालों के अंदर बता चुका हूँ उसको एक्सप्लेन और पोल देने का हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर वो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। तो भगवान शिव और पार्वती जी को ये आपका समर्पित था। मल्लिकार्जुन टेम्पल नाम था, लोकेशन आंध्र प्रदेश राज्य थी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल को एक और नाम से जाना जाता है, इसका मैं आपको पोल जरूर दूंगा। इसको आप पोल के अंदर बताइएगा, क्योंकि इस दूसरे नाम से भी एसएससी इसको आपसे पूछ चुका है। बताइए भाई, बताइए। तो मल्लिकार्जुन टेम्पल को दूसरा नाम दिया जाता है श्री सैलम टेम्पल के रूप में, ये भी आपसे बार बार पूछा जा चुका है। तो प्लीज याद रखिएगा, श्री सैलम टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज दी श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल। लोकेशन हमने जान ली, कौन से भगवान और को डेडिकेटेड है वो भी हमने जान लिया था। एक बार लीडर बोर्ड पर नजर डालते हैं। सुबोध फर्स्ट, जूही सेकेंड, जानवी थर्ड, रवि फोर, आसिफ फाइव, अंजू सिक्स, RS7, विनय एट, राहुल नाइन और अनुष्का टेन। चलिए आगे आइए। श्री रंगत स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दिए गए चार विकल्प में से आपको कहाँ पर लोकेटेड नजर आता है? बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा चर्चाओं में आपको सुनने के लिए मिलने वाले मंदिरों में से एक श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है। भगवान रंगनाथ जो कि विष्णु के एक अवतार थे। यार क्या ये कहाँ से आ गई छुटिया? ठीक है, समर्पित है। मैंने आपसे पूछी थी क्या आपसे लोकेशन ये आपको नजर आएगा तमिलनाडु राज्य के अंदर, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। कुछ इस प्रकार से नजर आता है, कई बार आपने इनको चर्चाओं में देखा होगा। अमन सर का इंग्लिश क्या शुरू हुआ? अमन सर, अमन सर कायम, आप उनके प्रोफाइल पर जाकर उनके कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, बट अभी आई थिंक वो एक्टिव थोड़ी ना है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी अनंतपुर जिले के अंदर आपको लोकेटेड नजर आता है? लोकेशन क्या है? आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, मंदिर का नाम बताना था। ये रहा आपका पोल, पोल के अंदर आपने आंसर करना है। बताइए भाई, हिंदू टेम्पल है, लोकेशन मैंने आपको बता दिया, लेपाक्षी जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर आपको नजर आता है, भगवान वृद्धरथ को ही आपका मतलब लॉर्ड शिवा के एक अवतार हुआ करते थे उनको ये आपका समर्पित है, और मंदिर का नाम हमने पूछा था वीरभद्र टेम्पल। ठीक है, याद रखोगे कुछ इस प्रकार से आपको ये नजर आएगा। भगवान शिव के अवतार वीरभद्र को डेडिकेटेड आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी के अंदर नजर आएगा आपको वीरभद्र टेम्पल। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हम्पी कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है? लोकेटेड एट हम्पी कर्नाटक, मंदिर का नाम आपको पोल के अंदर आंसर करना है। बहुत फेमस मंदिरों में से एक है, बताइए। विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक राज्य, मंदिर का नाम आपका वीरूपक्ष टेम्पल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होता करेक्ट, वीरूपाक्ष मंदिर। लोकेशन हमने जाननी थी, पोल
कर्नाटक राज्य है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डेजिग्नेटेड है, तो इसलिए आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देवराया द्वितीय के द्वारा इसके अंदर काम किया गया, इसको बनवाने के लिए योगदान दिया गया, ठीक है। वीरूपक्ष टेम्पल जो कि हम्पी कर्नाटका के अंदर है, वो इन चार विकल्प में से किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया? तो अभी मैंने पीछे आपको एक आइडिया तो दिया था, बट आप मुझे बताइए कि करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा। मैंने डायनेस्टीज का नाम देकर आपसे पूछा है, वीरूपक्ष टेम्पल बिल्ड करवाया गया किसके द्वारा? देवराया द्वितीय का मैंने नाम दिया था, जो कि आपका संबंधित है विजयनगर एम्पायर से, तो विजयनगर एम्पायर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो लोकेशन हमने जान ली थी, किसने बनवाया, किस डायनेस्टी से संबंधित है वो भी हमने जान लिया। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विरूपक्ष मंदिर के साथ कर्नाटक के हम्पी में है? साथ में, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग जो टेम्पल है हम्पी कर्नाटका के अंदर विरूपक्ष टेम्पल के अलोंग यानी कि साथ में आपको नजर आता है, ये रहा आपका ये पोल, बताइए भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आई थिंक आप न्यूज में बार बार सुनते रहते हैं, SSC भी इसको पूछता रहता है रेगुलरली। नाम है विठल टेम्पल या फिर विठल विठला टेम्पल, दो नामों से मतलब वो प्रोनाउंसिएशन वाली बात है। तो एक प्राचीन स्मारक के रूप में हमारे देश के अंदर देखने के लिए मिलता है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक है, इसकी क्राफ्टमैनशिप को काफी ज्यादा सराहाया गया है आज तक। तो नाम है विठला टेम्पल, लोकेशन हमने जान ली थी, कौन से मंदिर के पास में लोकेटेड है हमने वो भी जान लिया था, कुछ इस प्रकार से ये आपको देखने के लिए मिलता है। रिवर का भी नाम याद रखिएगा कि कौन सी रिवर के किनारे पर इस मंदिर को आपका बनाया गया है, तुंगभद्र रिवर के किनारे पर बनाया गया है, ओके। अगला है, इन चार विकल्प में से वो कौन सा मंदिर है जिसके प्रांगण में पत्थर के रथ के रूप में गरुड़ मंदिर है? यह हम्पी के का एक चित्र प्रतीक है, मैं बात कर रहा हूँ उस मंदिर के नाम के बारे में जिसके अंदर आपको एक गरुड़ श्राइन दिखाने के लिए मिलती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन चैरियट कोर्टयार्ड में, और ये आपका हम्पी के पिक्चर सिंबल के रूप में भी आपको नजर आता है। आपने देखा होगा, आपके कौन से नोट पर नजर आता है ये, कोई बताएगा कौन से नोट पर नजर आता है? बताओ भाई। मंदिर का नाम बताना था, नाम है विठला टेम्पल जिसकी अभी मैंने बात करी थी, गरुड़ श्राइन इसके बीच में आपको नजर आता है, जिसमें एक आपको चेरोइट श्राइन नजर आता है कोर्टयार्ड के अंदर, और ये आपका अलग अलग नोट्स के अंदर भी यूज होता है। आंसर आपका वही रहेगा जिसके बारे में अभी मैंने पीछे आपसे चर्चा करी थी, विठला टेम्पल, ठीक है। ये वाली पिक्चर आपने देखी होगी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर संरचना दुनिया की सबसे ऊंची अखंड मूर्ति है जिसे ग्रेनाइट के एक खंड से उकेरा गया है? Which among the following temple structures is the tallest monolithic statue in the world, जो कि एक सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट से आपका क्रेव आउट कार्व्ड आउट किया गया है, एक सिंगल मोनोलिथिक एक सिंगल संरचना है, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं। ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। नाम आपको बताना है, 57 फुट हाई एक मोनोलिथ स्टैचू है, मोनोलिथ यानी कि एक सिंगल पत्थर का पत्थर से निकाल कर बनाया गया है, नाम है गोमतेश्वर टेम्पल। ये इम्पोर्टेंट है यार, ये अच्छा फैक्चुअल सवाल है, ये भी बार बार पूछती है SSC, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। आपको ये श्रवण बेला गोला कर्नाटका के अंदर लोकेटेड नजर आएगा, विंध्यगिरी हिल के ऊपर 57 फुट हाइट है, गोमतेश्वर स्टैचू इसका नाम याद रखना है। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, सिंगल लिथिक यानी कि सिंगल पत्थर से ये आपका कार्व्ड आउट है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बाहुबली की प्रसिद्ध जैन आकृति निम्नलिखित में से किस मंदिर में है? द फेमस जैन फिगर ऑफ बाहुबली इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स? ये रहा आपका पोल, अभी वैसे मैंने बता दिया था, मैं इसका पोल नहीं देता हूँ, गोमतेश्वर टेम्पल ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने जो पीछे आपको गोमतेश्वर टेम्पल के बारे में एक फैक्ट बताया कि ये जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर से कार्व्ड आउट जो एक इम्पोर्टेंट आपको फिगरिंग्स नजर आते हैं उनमें से एक आपको एक नजर आता है बाहुबली फिगर, और मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 7 से 8वीं शताब्दी में चालुक्य राजवंश द्वारा निर्मित दुर्गा मंदिर किस स्थान पर आपका स्थित है? दुर्गा टेम्पल बिल्ट बाई चालुक्य डायनेस्टी 7th-8th सेंचुरी के अंदर, आपको बताना है कि लोकेशन आपकी इसकी
क्या रहेगी? ये रहा आपका पोल, बताइए। हमारी जो एंशंट हिस्ट्री वाले यू नो पार्ट होते हैं, जो डिस्कशन होते हैं, उसमें हमने कई बार ऐसी लोकेशंस की चर्चाएं करी थी। दुर्गा टेम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, आपके मेडिवल एरा, मध्यकालीन एरा से आपका एक इम्पोर्टेंट हिंदू टेम्पल के रूप में नजर आता है। आपको ये ए होल के अंदर नजर आएगा, जो कि कर्नाटक राज्य के अंदर आपका लोकेटेड है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए होल कर्नाटक करेक्ट होता। कैसी आपको इसकी नजर आते हैं? कुछ इस प्रकार से आपका नजर आता है। चालक्य डायनेस्टी के द्वारा इसके ऊपर काम करवाया गया था, बनवाया गया था। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भगवान शिव की 123 फीट ऊंची मूर्ति के लिए प्रसिद्ध भगवान शिव को समर्पित मृदेश्वर मंदिर दिए गए कौन से राज्य के अंदर आपका लोकेटेड है? पोल ये रहा आपके सामने, बताइए भाई। मृदेश्वर टेम्पल, जो कि आपकी कनिका हिल्स के अंदर बनवाया गया है। राज्य का नाम बताना है। आप लोग आंसर जो गैस कर रहे होंगे, उस आधार पर कर रहे होंगे कि सर तो कर्नाटक राज्य के मंदिरों को दिखा रहे हैं, तो यही आंसर होगा। तो तुक्का लगाने के लिए ठीक है, लेकिन ऐसे भी याद रखिएगा कि मंदिर का नाम क्या है, कितनी फीट ऊंची आपको लॉर्ड शिव की मूर्ति नजर आ रही है। कुछ इस प्रकार से ये आपको नजर आती है, याद रखिएगा। भगवान शिव को समर्पित वर्ल्ड के सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू के रूप में आपको ये नजर आता है। भटकाल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर ये आपका लोकेटेड है। ठीक है, लीडर बोर्ड, जूही फर्स्ट, जानवी सेकेंड, अंजू थर्ड, सुबोध फोर, आर्य फाइव, आसिफ सिक्स, रवि सेवन, विनय एट, दिनेश नाइन और दीपिका 10। तो चले भाई, अपने आगे के सवालों का डिस्कशन भी हम खत्म करते हैं। 12वीं सदी के होसाल साम्राज्य द्वारा निर्मित भगवान शिव को समर्पित होसेलेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर लोकेटेड है? 12th सेंचुरी के अंदर आपका बनवाया गया, होसेला एम्पायर के द्वारा भगवान शिव को समर्पित है। लोकेशन आपको बतानी है। ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। फिर आप आईडिया ले लोगे, है ना, कि सर आप तो इस वाले राज्य के मंदिरों के बारे में बता रहे हो, तो ठीक है, हमारे लिए तो इजी ही है। देखो वो तो चलो ठीक है, लेकिन और ये चीज आपको हेल्प भी करती है, लेकिन फिर भी यार ऐसे करके भी आपको याद रखना है कि मंदिर का नाम क्या है, बनवाया किसने और कौन सी सेंचुरी से आपका संबंधित है, कौन से भगवान को समर्पित है। तो भगवान शिव को समर्पित था, नाम हमने जान लिया, हमसे लोकेशन के बारे में पूछा गया था, कर्नाटक के अंदर ही आपको ये लोकेटेड नजर आता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको ये नजर आएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो अभी इन चार विकल्प में से कई सारे तो मैंने आपको बता दिए हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा कर्नाटक राज्य के अंदर आपका लोकेटेड नहीं है। ये रहा आपका पोल, बताइए भाई। तो जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु राज्य के अंदर। तो आपको इसमें ये तो याद रखना है कि बाकी के जो तीन होंगे वो आपके लोकेटेड है कर्नाटक के अंदर, लेकिन जो चौथे नंबर पर मैंने आपसे बात करी है, ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये आपका तमिलनाडु राज्य के अंदर लोकेटेड है। बाकी का मैंने गोमतेश्वर के ऊपर बात कर ली, चेन्नकेश्वर के बारे में बात नहीं करी है, लेकिन अब आपको याद रखना है मुरुदेश्वर मंदिर के बारे में मैंने बात कर ली थी। ये तीनों के तीनों आपके कर्नाटक राज्य के अंदर लोकेटेड थे। ठीक है, याद रखना है। और जिसकी मैंने बात करी है वो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आपका लिस्टेड है, तमिलनाडु राज्य के अंदर लोकेटेड है। नाम है उसका आपका ऐरावतेश्वर मंदिर। ठीक है, चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विश्व का सबसे धनी मंदिर है, यानी कि मैं रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड के रूप में इन चार विकल्प में से कौन से मंदिर को जानते हैं? ये रहा आपका पोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट तो चलो आपने इसके साथ में ये जान लिया कि विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से डोनेशंस का जो रूप है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। नाम आपको बताना था, लोकेशन आपको अगर बताने का मन करे तो आप वो भी बता सकते हैं, बताइए भाई। तो केरला राज्य के अंदर आपको लोकेटेड नजर आएगा। मंदिर का नाम क्या है आपका? पद्म स्वामी टेम्पल। आपने बहुत बार इसकी इमेज देखी होगी। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर, लोकेशन क्या है? केरला के अंदर है। रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड में आपका नाम शुमार है। कुछ इस प्रकार से आपको ये नजर आता है। डायमंड्स, गोल्ड्स, ऐसे ऐसे करके स्टैच्यूज इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो अभी मैंने पीछे आपको केरला बताया था, पोल की इसके अंदर आवश्यकता नहीं थी। रिचेस्ट टेम्पल के रूप में मैंने अभी आपको बताया था। कुछ इस प्रकार से नजारे हैं, याद रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन द परियार टाइगर रिजर्व केरला?
देखो मैंने टाइगर रिजर्व्स वाला टॉपिक भी आपको कराया है, मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएगा आपको जाकर। मैंने पूछा है मंदिर परियार टाइगर रिजर्व केरल के अंदर लोकेटेड आने वाले मंदिर का नाम आपको बताना है। पोल के अंदर आप आंसर कीजिएगा। बहुत ज्यादा चर्चित मंदिर है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में आपने सुना होगा। नाम आपको बताना है टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड आपको सबरीमाला हिल के ऊपर नजर आता है, जो कि आपको परियार टाइगर रिजर्व के बीच का एक एरिया के रूप में नजर आता है। नाम क्या है? सबरीमाला टेम्पल। चर्चाओं में आपने सुना होगा। लोकेशन याद रखनी है केरला। टाइगर रिजर्व का नाम अगर रिलेटेड करके पूछा जाए तो परियार टाइगर रिजर्व, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है। अगला सवाल, मीनाक्षी टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, लोकेशन आपको बतानी है। आंसर आपको तो पता चली गया होगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि जो आंसर होते हैं वो जब हम किसी राज्य का डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसी से रिलेटेड हम पूछते हैं। तो बताइए भी। यार ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। मैंने बात करी है मीनाक्षी टेम्पल की, लोकेशन रहेगी इसकी तमिलनाडु के मदुरई के अंदर, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, केरला आंसर नहीं दिया, वरना तो हम केरला ही आंसर करते हैं। तो ये है भाई आपका अरुलमिंगू मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल के रूप में नजर आता है, वैगी रिवर के पास में आपको नजर आएगा, मदुरई तमिलनाडु में। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नटराज शिव को नृत्य के देवता के रूप में समर्पित नटराज मंदिर आपको कहाँ पर लोकेटेड नजर आता है? मैं नटराज टेम्पल की बात कर रहा था। नटराज शिव जी को आपका ये समर्पित है लॉर्ड ऑफ डांस के रूप में। लोकेशन आपको बतानी है। ये रहा आपका पोल, एसएससी पूछ चुका है, सीजीएल के अंदर भी पूछा जा चुका है, सीएचएसएल के अंदर भी पूछा जा चुका है। बताइए भी, नटराज टेम्पल जिसको हम चिदंबरम नटराज टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, एक हिंदू टेम्पल के रूप में आपको नजर आता है, नटराज जी को समर्पित है, जो कि शिवा शिव जी का एक डांस फॉर्म है, फॉर्म ऑफ शिव जी है। और लोकेशन आपसे पूछी जा रही है तमिलनाडु के अंदर आपका लोकेटेड है, तमिलनाडु के चिदंबरम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु के अंदर आपका लोकेटेड है? तो अभी मैंने आपको पीछे बताया, इसको मैं आपको पोल के अंदर ही पूछ लेते हैं। चलो बताइए भाई, टेम्पल हिंदू टेम्पल है, रंगनाथ करके भगवान जी को ये आपका डेडिकेटेड है, तमिलनाडु राज्य के अंदर लोकेटेड है। नाम क्या है? रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता, ठीक है। ये है आपका रंगनाथ स्वामी, इंपॉर्टेंट है यार, ये काफी फेमस टेम्पल्स हैं। मैं अभी उस तरीके से बता नहीं रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे टेम्पल्स का जिक्र कर रहे हैं, तो इनको हल्के में मत लेना प्लीज कोई भी। अगला सवाल है, तमिलनाडु में स्थित रंगनाथ स्वामी किस देवता को समर्पित है? अभी मैंने पीछे आपको इस सवाल के बारे में बताते हुए आंसर बता दिया था कि भाई ये आपका भगवान विष्णु जी को समर्पित है, ठीक है। लोकेशन क्या थी? तमिलनाडु थी। नाम क्या था आपका? रंगनाथ स्वामी था। भगवान जी के बारे में पूछा गया था जिनको ये आपका समर्पित था, तो भगवान विष्णु जी को ये आपका समर्पित है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में लोकेटेड है? लोकेटेड इन तंजावुर तमिलनाडु, मंदिर का नाम बताना है। वैसे तो अभी मैंने बता दिया था, बट ठीक है एक बार आप और बता दीजिए मुझे। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। नाम आपको बताना है, भगवान शिव जी को आपका ये समर्पित है। इसको लेकर पूछा जाता है कि किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था? तो ये चोल वंश की आर्किटेक्चरल स्टाइल से आपको नजर आता है, और ये कावेरी रिवर के दक्षिण भाग में आपको लोकेटेड नजर आता है। मंदिर का नाम था आपका बृदेश्वर टेम्पल। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थी आपकी वीडियो जिसका टॉपिक था टेम्पल्स इन इंडिया। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्रिप्शन बेल दपन दबाने के बाद उसके ऑल ऑप्शन को भी चूज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जहाँ पर कम्बाइंड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।